so guys good evening to all of you so guys good evening to all of you आवाज़ आ रही है clear मुझे बता दो एक बार आवाज़ clear है कि नहीं is audible to all of you yeah. <laughs> देखो मतलब जो हिस्ट्री का जो कोर है और हिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या है दैट इज मॉडर्न हिस्ट्री मैं हमेशा बोलता हूं हिस्ट्री को जो है पांच भाग में डिवाइड किया गया सो फॉर एज यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेन सर आर कंसर्न एंशियंट मेडिबल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर उसमें से सबसे जो कोर है आपका टॉपिक का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग बात करेंगे और कोशिश करेंगे आप लोगों का ए, एनर्जी पैसेंस जितना टाइम तक रहेगा तो मेरा एनर्जी और पैसेंस भी उतना टाइम तक रहेगा तो कोशिश ये करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा टॉपिक हम सिंपल तरीके से फनी तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करने की मैं कोशिश करूंगा बहुत सारे बच्चे जो है हिस्ट्री को डिफिकल्ट मानते हैं ट्रस्ट में हिस्ट्री एक मज़ेदार टॉपिक है और मैं स्टोरी के हिसाब से आपको इंटरलिंक्ड करूंगा हिस्ट्री का ठीक है बस एक बार लिख दीजिए अगर आवाज़ क्लियर है तो एक बार ऑल क्लियर लिख दीजिए बाकी मैं स्टार्ट कर देता हूँ ठीक है एक बार नीचे कमेंट करके ऑल क्लियर लिख दीजिए ताकि मैं समझ जाऊँ ठीक है और और एक चीज़ बता दूँ देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ कि नॉर्मली जो मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को वो टॉपिक है हिस्ट्री है पॉलिटी है ज्योग्राफी है इकोनॉमिक्स है और करेंट अफेयर्स है तो ये समझिए कि मोर देन 80 परसेंट सिलेबस जो है हम लोग कवर करते हैं जिसमें क्या होता है वो तो एक होलिस्टिक अप्रोच में मिल जाता है चीजें हर एक टॉपिक एक टॉपिक में स्पेशलाइज होने से बेटर है आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिले ताकि आप फ्रिलिम्स और मेन्स को ईजिली क्लियर कर सको ठीक है ना तो यहाँ पर देखो अगर किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत है तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो या पी कुछ पी फ्री है कुछ पी पेड है तो यहाँ पर मिल जाएगा अनएकेडमी अंडरस्कोर बिमकस में और मेरा जो रिफरल कोड है अगर चाहते हो कि मैं आपका मेंटर बनूं जो मेरा जो रिफरल कोड है बीएम लाइफ को बीएम लाइफ है ठीक है मेरा मेंटरशिप में आपको 24 फोर इंटू जो है मेंटरशिप मिलेगा किस प्रकार से आप एग्जामिनेशन प्रीलिम्स की तैयारी करोगे किस प्रकार से मेंस की तैयारी करोगे इंटरव्यू की तैयारी करोगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगा ये सब चीजों पे मैं आपको गाइड करूंगा प्रॉपरली आपको गाइड करूंगा ना केवल हिस्ट्री में ऑल्सो पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी इकनॉमिक्स एंड करेंट अफेयर्स ऑलमोस्ट होलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से मैं आपको एक गाइड करूँ ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो आप जो है हम लोग का जो रिजल्ट है अब तक रिजल्ट जो है शानदार रहा है 170 सिलेक्शन इन 2020 एंड 178 सिलेक्शन इन 2021 उसका रीजन भी कई सारे रहे कि आपको बहुत सारे फैकल्टीज मिलते हैं यहाँ पर आपके डाउट सॉल्विंग के लिए उसके साथ साथ आपको जो है फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल मिलता है वन टू वन पर्सनल मेंटरशिप मिलते हैं ये सब चीज़ें जो है यहाँ का यूनिक बनाता है बी एम लाइव कर्ण में ना केवल मेरा सभी फैकल्टीज़ का जो है सभी वीडियोज़ आप देख पाओगे और अब देखिए अब जो है ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट है उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट का ये लिमिटेड पीरियड तक है और किसी भी प्रकार का डाउट है तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो एट फाइव एट फाइव एट फाइव एट फाइव एट फाइव ठीक है तो ये ये आप लोगों के लिए एक अच्छा फैसिलिटीज़ है उसके साथ साथ जो है सितंबर 15 से जो है नया बैच सब स्टार्ट हो गया है वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो ठीक है और हर एक संडे हर एक सन्डे अनएकेडमिक कम्बैक्ट होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है उसके साथ साथ देखो यूपीएससी मेन मेन टेस्ट सीरीज मेन टेस्ट सीरीज जो है टू किस तरह से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उस चीज़ के बारे में बताया गया है साथ ही साथ जो है देखो आइकनिक का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि आपको एक पर्सनल मेंटरशिप मिलता है पर्सनल गाइडेंस मिलता है आप लाइफ में देखो बहुत कम टाइम के अंदर बहुत जल्दी आपको सक्सेस अचीव करना है तो आपको एक्सपर्ट का सजेशन लेना जरूरी है आप खुद से भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप खुद से नहीं कर सकते खुद से भी कर सकते हैं बट उसके लिए क्या है थोड़ा सा टाइम लग सकता है है ना तो ये आपको खासियत और जीरो परसेंट इंटरेस्ट रेट में आपको जो है जीरो परसेंट इंटरेस्ट रेट में जो है आपको ईएमआई मिल रहा है एक साल तक और किसी भी प्रकार का दिक्कत है ई से रिलेटेड किसी भी प्रकार का तो यहां पर आप जुड़ सकते होकेडमी अंडर स्कोर बी पर नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है ठीक है ना चलिए तो आज का टॉपिक रहेगा ठीक है तो रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन से मैं शुरुआत करूंगा ठीक है रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन से मैं शुरुआत करूंगा ठीक है तो बताओ सबसे पहले बताओ आप लोग कितना टाइम तक ये पढ़ सकते हो हिस्ट्री मेरे साथ आज ऑनेस्टली बताओ कितना आवर्स तक आप कंटिन्यूली कंटिन्यूस पढ़ सकते हो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कल की बात नहीं करेंगे आज की बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाऊँ सिंपल बनाओ और मज़ेदार बनाओ और स्टोरी के हिसाब से इंटरलिंक्ड करूँ ताकि आपको पढ़ने के टाइम पे ही चीजें जो है याद हो जाए मैं हमेशा बोलता हूं एक चीज अबाउट माय क्लासेस कि व्हाट द टॉपिक आई टीच इन द इन द क्लासेस दैट विल इंस्टेंटली मेमोराइज इन द क्लासेस एंड दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर एग्जामिनेशन तो एक एक मॉडर्न हिस्ट्री देखो मॉडर्न हिस्ट्री तो पाँच छह घंटे में हम उसको एक समराइज के तरीके से कोशिश कर रहे हैं उसको समरी के तरीके से उसको याद करने की हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम लोग यहां पर एक याद करने की कोशिश कर रहे हैं और चीजों को इंटरलिंक्ट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कितना वर्ष पढ़ सकते हो बताओ मेरे साथ केवल दो घंटा अरे ये तो बहुत कम हो गया यार मैराथन सेशन है थोड़ा सा अपना एनर्जी लेवल बढ़ाइए ठीक है आप जितना टाइम तक बोलोगे उतना टाइम तक पढ़ेंगे तो कितना टाइम बता रहे हो आप लोग मैं देख रहा हूं आप लोगों का चलो ठीक है जितना टाइम तक आप लोग पैसेंस के साथ रह रह सकते हो उतना टाइम तक पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहला टॉपिक जितना टाइम तक आप पैसेंस के हिसाब से हो सकते हो उतना टाइम तक पढ़ेंगे ठीक है चल तो आज आज इस तरीके से हम लोग समझते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से आज पढ़ेंगे ठीक है आज का हाँ आज का आज थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग मॉडर्न इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं ठीक है पहले से मैं बता रहा हूं उसको पढ़ाई को पढ़ाई के हिसाब से मत लो ये मान के चलो कि कोई एंटरटेनमेंट का सेशन चल रहा है तब जाके चीजें जो है और मजा आएगा आप लोगों को मजा आएगा ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं आज का ठीक है शुरू से शुरू करते हैं ठीक है ऑलाई right. तो यहाँ पर देखो चीजें जो है हमेशा आप क्वेश्चन देखोगे हर एक साल का तो आमतौर पर देखो एक चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ कि हम लोग हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं हिस्ट्री का सबसे मेन रिलीवेंट टॉपिक होता है मॉडर्न हिस्ट्री

पूरा इंटरेस्टिंग करने की पूरा कोशिश करूंगा इंटरेस्टिंग भी बनाऊंगा साथ ही साथ चीज़ें जो है आपको याद भी रहेगा और मज़ा भी आएगा ये मेरा गारंटी है आप बने रहिए जस्ट दस मिनट बने रहिए आप खुद देखना ठीक है इंडियन स्ट्रग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ठीक विल डिस्कस दैट ठीक है तो सबसे पहला देखो भारत उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे इस तरह का था जो रेड कलर के हैं दैट इज द ब्रिटिश प्रोविंसेस और जो प्रिंसली स्टेट हैं वो येलो कलर के हैं एनीवे वे देखो टॉपिक को शुरुआत करेंगे हम लोग कि जो रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन हुआ था अठारह सौ सतावन की जो क्रांति हुई थी ठीक है रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन जो हुआ था उसका कारण क्या थे उसका रीज़न क्या थे वैसे तो देखा जाए तो रिवोल्ट देखो रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन जो है एक रीज़न की वजह से नहीं हुआ था या एक कारण की वजह से नहीं हुआ था कई सारे रीज़न रहे थे जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन हुआ था अदरवाइज देखो पोर्तज़ आए थे ठीक है डच आए थे फ्रेंच आए थे ठीक है ब्रिटिशर्स भी आए थे और ब्रिटिशर उस टाइम पे जो 400 साल तक पूरे वर्ल्ड के ऊपर कैप्चर किया था जो इतने पावरफुल थे मतलब सोशली पॉलिटिकली कल्चरली इकोनॉमिकली इतने पावरफुल थे मतलब ये ये कह सकते हो कि उनके साथ लड़ने के लिए हम लोगों के पास उस टाइम पे इतना क्षमता नहीं था आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ बट फिर भी एक जोश दिखा के ब्रिटिशर के सामने लड़ा गया था तो ये एक बहुत बड़ी बात है तो क्या क्या रीजन रहा था वॉट वॉज द मेन रीजन बिहाइंड रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन अब यह मेन्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है ठीक है एक तो होता है इमीडिएट कॉज है कि तुरंत कोई कारण की जरूरत नहीं है तुरंत एक ऐसा घटना घटा था जिसकी वजह से मतलब एक चिंगारी की ज़रूरत थी उसके बाद लड़ाई स्टार्ट होगी एक तो रीज़न ये है और एक रीज़न है कई सारे रीज़न है जैसे कि पॉलिटिकल काजेस हैं सोशो रिलीजियस काजेज़ है इकोनॉमिक काजेज हैं एंड मिलिट्री काजेस है कई सारे रीज़न थे जो टाइम टाइम पे जो है टाइम टाइम पे जो है वो एक तरफ से हम लोगों के खिलाफ खिलाफ ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे जिसको एक साथ हमने पूरी तरह से अच्छा पढ़ाने पे भी स्टेप बढ़ता है क्या ये स्मार्ट वॉच क्या बात है तो ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा पतला हो जाऊँगा या फिर चलिए <laughs> ऑल <right>. ठीक है <laughs> आ, हाँ ठीक है हाँ तो मैं बात कर रहा था कि कारण क्या थे वाट वेर द रीज़न अच्छा हाथ सब ऐसे हिल रहा है ना ये सब तो स्टेप बढ़ रहा है ठीक है <laughs> अच्छी बात है हमारे लिए ठीक है हाँ तो कॉजेज ऑफ़ द रिवोल्ट में कई सारे कारण थे पॉलिटिकल कॉज सोशल रिलीजियस कॉजे इकोनॉमिक कॉजेज मिलिट्री काजेज एंड इमीडिएट काजेस ठीक है कई सारे रीजन थे तो इमीडिएट कॉज तो मैं डिस्कस करूंगा उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि पॉलिटिकल काजेस क्या थे सोशो रिलीजियस कॉजेस क्या थे इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे मिलिट्री काजेस क्या थे और उसके बाद जो है इमीडिएट जो तुरंत जो घटना घटी थी देखो रिबोल्ट डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं रिबोल्ट के बारे में कुछ लोग मानते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है दिस वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है स्वतंत्रता की ये पहली लड़ाई है और प्रथम लड़ाई है ये कुछ लोग मानते हैं कुछ और लोग मानते हैं कि नहीं ये कोई फर्स्ट वार नहीं था उससे पहले भी वार हुए हैं और उसके बाद भी मतलब वार तो हुए ही हैं उसके बाद लड़ाई हुई है ठीक है तो ये पूरा हम उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते क्योंकि दिस वॉज स्टार्टेड विद द सिपाही और एंडेड विद द सिपाही ये केवल जो है सिपाही विद्रोह है केवल जो है सिपाही म्यूटनी है दिस वॉज स्टार्टेड विद द सिपाही और एंडेड विद द सिपाही दिस इज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट कुछ लोगों का मानना है ये अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग प्रडिक्शन दिया है ठीक है और कुछ लोगों का मानना है कि दिस वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट हमें यह अलग बात है कि हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था आजादी के लिए पाने के लिए नाइन्टी ईयर्स और लग गए थे बट दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द वॉर मतलब नो no डाउट ये वॉर में जो भी हुआ हो बट दिस डेवलप एनफ करेज फॉर द इंडियन टू फॉट अगेंस्ट दाइटी ब्रिटिश एम्पायर ठीक है तो अब एक, एक करके हम लोग बात करेंगे पोलिटिकलिजियस में क्या है इकोनॉमिक में क्या है मिलिट्री काजेस में क्या है और इमिडिएट काजेस में क्या है ठीक है तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे राजनीतिक कारण और पॉलिटिकल काजेस ठीक है देखिये पॉलिटिकल काजेस को चार भाग में डिवाइड किया गया अगेन सर यू आर फेवरेट टीचर थैंक यू सो मच विजय कुमार मेहर थैंक यू थैंक यू थैंक यू आओ विजय कुमार मेहर भल अच अच्छा चलिए अली ऑल राइट लेट्स नाउ हाँ अब देखो पॉलिटिकल कॉजेस ठीक है पॉलिटिकल में पॉलिटिकल इट पॉलिटिकल कॉजेस में मतलब चार भाग में उसको डिवाइड किया गया ठीक है पॉलिटिकल कॉजेस को चार भाग में डिवाइड किया जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ठीक है फर्स्ट पार्ट क्या है कि ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंसर पहला मैं एक एक करके डिटेल में उस चीजों को समझाऊंगा देखो पहले समझ जाते हैं कि कौन कौन सा चीजें हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या है कि ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंसर ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कि ब्रिटिशर ने किस प्रकार से अपना साम्राज्यवाद का विस्तार किया था किस प्रकार से दे एक्सपेंडेड दे एक्सपेंडेड their मतलब टेरिटरीज इन इंडिया जैसे कि उसमें से है आउट राइड्स ऑफ वॉर लड़ाई करके लड़ाई करके जैसे कि बैटल ऑफ बक्शर है ठीक है ये सब चीज़ों में लड़ाई करके एंग्लो माइशूर वार मराठा वार ये सब मैं मराठा को मैशूर को बक्सर में हराया था ठीक है बक्सर वार ये सब में हराया था इंडियंस को लड़ाई करके दूसरा है सब्सिडरी अलायंस कहीं पर मतलब ज़बरदस्ती कैप्चर करके मतलब बिना लड़ाई किए भी कैप्चर करके डॉक्टर ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति और भी डिटेल में हम लोग समझेंगे अभी ब्रीफली मैं बता रहा हूँ अभी ही बताऊंगा डिटेल में डॉक्टर ऑफ लैप्स लॉर्ड डेलहााउजी ने लाया था मतलब किसी का बेटा अगर नहीं है तो वो किंगडम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चला जाता था जैसे कि संबलपुर है झांसी है नागपुर है सतारा है और उसके साथ साथ एनेक्सेसन ऑफ अवध अवध मतलब लखनऊ एरिया को कैप्चर करके तो सिंपल सा कहने का मतलब है अपना पॉलिसी को वो एक्सपांड करना चाहते थे थ्रू द वार्स उसको कहा जाता है तो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थ्रू तो आइर वॉर हो सकता है आइधर मतलब सब्सिडरी अलायंस के थ्रू हो सकता है या डॉक्टर लैब्स के थ्रू हो सकता है या यानी किसी भी हरकत की तरह से वो अपना मतलब एक तरफ से ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन अपना एक्सपांड करना चाहते थे साम्राज्यवाद को विस्तार करना चाहते दूसरा क्या है देखो डिसरेस्पेक्ट सोन टू द बहादुर शाह बहादुर शाह कौन है ये बहादुर शाह सेकेंड और उनको कहा जाता है बहादुर शाह जाफर उस टाइम पे मुगल शासन कर रहे थे मुगल के जो अंतिम शासक थे वो बहादुर शाह जाफ़र थे और बहादुर शाह सेकेंड तो उनको जो है रेड फोर्ट से हटा दिया गया था उसकी बात कर रहे हैं और रेड फोर्ट को छीन लिए थे उसके बाद इल ट्रीटमेंट टू तो द नाना साहेब एंड नानी लक्ष्मी बाई नाना साहेब एंड नानी लक्ष्मी बाई को भी मतलब अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला था वो भी बताऊंगा अभी और एक चीज़ है ऑब्सेंट ऑफ सॉबरेंटी ऑफ द ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर किस प्रकार से इंडिया को केवल एंड केवल जो है लूटते थे यहाँ एक्सप्लोयड करते थे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे जितना भी होता था वो इंग्लैंड को भेजते थे ठीक है ये सब चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये फर्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन सेकेंड पॉइंट है डिसरेस्पेक्ट सोन टू द बहादुर शाह थर्ड पॉइंट है कि ट्रीटमेंट टू द नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मी बाई एंड फोर्थ पॉइंट यहाँ पर जो है एबसेंट ऑफ सोवरेंटी ऑफ द ब्रिटिश चलिए एक एक करके हर एक पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे तो पहला पॉइंट क्या देखो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को अगेन चार भाग में डिवाइड किया गया देखो पॉइंट का सब पॉइंट हो रहा है ये पॉइंट पॉइंट का सब हो रहा है ठीक है ठीक पॉलिटिकल में ये चार पॉइंट है उसके बाद जो है फर्स्ट पॉइंट का चार पॉइंट है देखो फर्स्ट पॉइंट ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में पहला क्या है आउटराइड ऑफ वॉर है दूसरा क्या है सब्सिडरी अलायंस है और उसमें तीसरा क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है और उसमें चौथा पॉइंट क्या है एनेक्शे ऑफ अवध है समझ रहे हो कि ब्रिटिशर्स ने अपना साम्राज्य बाद किस तरह से विस्तार किया था ठीक है तो पहले हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ठीक है ना समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ तो पहला देखो पहला पॉइंट में क्या है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन द तो ब्रिटिशर एक्सटेंडेड द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया इन फोर वेस कितने कंडीशन में चार कंडीशन में उन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर को स्तार किया था चार कंडीशन में उन्होंने जो है पॉलिटिकली वो सुप्रीमेसी या पॉलिटिकली अपना इंफ्लुएंस बनाना चाहते थे पहला क्या है आउटराइट्स ऑफ वार लड़ाई करके कई सारे लड़ाई हुआ था जिसमें से बक्सर की लड़ाई वार ऑफ बक्सर जैसे कि एंग्लो माइशूर वार मैसूर के साथ लड़ाई हुआ था देन मराठा वार थर्ड एंग्लो मराठा वार ठीक है उसके बाद सिख के साथ लड़ाई जो है सेकंड एंग्लो सिख वार तो ये जो लड़ाई हुई थी कि बैटल ऑफ बक्सर और वार ऑफ़ बक्सर उसके बाद एंग्लो माइशोर वार ठीक है उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वार उसके बाद जो है सेकेंड एंग्लो सिख वार तो ब्रिटिशर्स ने लड़ाई करके अपने ओपोनेंट से ओपोनेंट को हरा के अपने ओपोनेंट को हरा के क्या किया था कि साम्राज्यवाद का विस्तार किया था साम्राज्य बात का विस्तार कहता है ऑफ वार पहला पॉइंट है ये देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को आप अगर मेरा क्लास ऑलरेडी आप जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है ठीक है जैसे कि बच्चे पीडीएफ पीडीएफ के लिए मांगते हैं तो हमेशा यहाँ पर कोशिश करिए पेन और पेपर साथ में लेके चलिए जो बातें मैं बोल रहा हूँ और जो लिखा हुआ है इट्सल्फ इज ए नोट मैं खुद जो है मेरा पीपीटी का कंटेंट आप देखोगे कि वो मैं खुद बनाता हूँ पीपीटी का कंटेंट मैं खुद उसमें टाइम स्पेंड करता हूँ मतलब आप लोगों के सामने वन आवर पढ़ाता हूँ बट इस वन आवर के पीछे मेरा दस घंटे का मेहनत होता है कम से कम दस घंटे का मेहनत होता है टेन आवर्स का मेहनत होता है ठीक है मैं मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि मैं अकेला ही मेहनत करता हूँ ऐसा नहीं है कि कोई भी फैकल्टी पढ़ा रहा है अच्छा से मेहनत कर रहा है और अच्छा कंटेंट आपको दे रहा है तो उसके पीछे उसका मेहनत भी है समझ लो तो हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं तीन चार किताब जो रिलीवेंट किताबें पढ़ेंगे पढ़ने के बाद उसका एक समरी नोट बनाते हैं ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए उसको किस तरीके से बच्चों को हम इंटरेस्टिंग बना सकें ईजी बना सकें आसान बना सकें और मज़ेदार बना सकें उस तरीके से नोट बनाते हैं फिर उसको सिस्टमेटिक तरीके से नोट बना तो ये प्रोसेस है तो हर एक कंटेंट में हिस्ट्री हो पॉलिटी हो जोग्राफी इकोनॉमिक्स चार सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं तो हर एक में मैंने कोशिश की जो कंटेंट है इट इज ए नोट तो साथ साथ आप लिखते रहिए सुनिए जरूर उसके साथ साथ लिखते रहिए क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे ना वो मेन्स में आपको हेल्पफुल होगा ठीक है टू द पॉइंट मेन्स में उसको जो है अपने तरीके से फिर रिप्रेजेंट करना है ठीक है ना पॉइंट तो ये है फर्स्ट है आउट देखो टू द पॉइंट के हिसाब से ठीक है ना चलिए देन उसके बाद देखो सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस ठीक है पहला चीज तो यहां पर समझते हैं कि सब्सिडरी अलायंस का शुरुआत किसने किया था लॉर्ड वेल्सली ने किया था अब समझते हैं कि ये जो सब्सिडरी अलायंस है ये होता क्या है वट डू अंडरस्टैंड बाय दिस सब्सिडरी अलायंस ये सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है यह सब्सिडरी अलायंस होता क्या वट डू एंडरस्टैंड बाई दिस सब्सिडरी अलायंस देखो सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है पहला चीज है कि लॉर्ड वेल्सली ने सब्सिडरी अलायंस का इंट्रोड्यूस किया था मतलब सब्सिडरी कि कि कर कर कैप्चर करना सब्सिडरी अलायंस का मतलब बिना लड़ाई किए बिना लड़ाई किए जितने भी जो प्रोविंसेस थे या जो राज्य थे उसको कैप्चर कर लेना और ब्रिटिशर को मतलब ब्रिटिशर जो है उनपे जबरदस्ती थोपना अपना पावर जबरदस्ती थोपते थे और ब्रिटिशर जो है सुप्रीम पावर होते थे और वर्चुअली जो स्टेट उसके अंडर होता था धीरे धीरे ब्रिटिशर उसको रूल करते थे उसको जो है सब्सिडरी बात है आउट सब वार लड़ाई करके स्टेट को कैप्चर करना ये बिना लड़ाई करके स्टेट को कैप्चर करना सिंपल मीनिंग ये है कि बिना लड़ाई किए स्टेट को अपने अंडर ले आना जिससे क्या होता था धीरे धीरे जो है कि जैसे ही वो स्टेट को कैप्चर करते थे ये कह के कैप्चर करते थे कि आप ठीक से रूल नहीं कर पा रहे हो हम लोग जो है आपको हेल्प करेंगे मदद करेंगे और हम लोग रूल करेंगे और ब्रिटिश जो है यहाँ पर सुप्रीम पावर के हिसाब से ब्रिटिशर को एक्सेप्ट करना है और उसके अंडर वो स्टेट रहेगा पहला चीज़ है उसके साथ साथ सब्सिडरी अलायंस होने के बाद ठीक है देखो सब्सिडरी अलायंस किसने शुरुआत किया था देखो लॉर्ड वेल्सली ने शुरुआत किया था देख लो इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन विच इंडियन स्टेट ब्रॉड अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल विदाउट एन एक्सिम जितने भी राज्य हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चला आएगा बिना लड़ाई किए उस उस देखो अंडर दिस सिस्टम इंडियन रूलर एग्री को उस सिस्टम होने के बाद इंडियन रूलर को मजबूरी में एक्सेप्ट ब्रिटिश एज द सुप्रीम पावर एक्सेप्ट करना होता था कि ब्रिटिशर जो है सुप्रीम पावर है मतलब ब्रिटिशर के अंडर काम करना पड़ेगा पहला चीज है दूसरा चीज क्या है किसी भी दूसरे कंट्री के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रह सकते ना लड़ाई कर सकते हैं ना कोई अच्छा संपर्क बना सकते हैं अगर लड़ाई करना है या संपर्क बनाना है तो उसमें ब्रिटिशर का परमिशन होना चाहिए उसके साथ साथ ब्रिटिशर जो है उनके हेड क्वार्टर पे उनके हेड क्वार्टर पे रहते थे और जितना भी खर्च होता था ब्रिटिशर्स ट्रूप का उस स्टेट को बहन करना पड़ता था देखो कि एंड द फॉरन रिलेशन एंड वड नॉट एंटर टू एनी अलायंस और वार मतलब किसी के साथ फॉरन रिलेशन नहीं रख सकते किसी कंट्री के साथ उसके साथ साथ जो है अलायंस या फिर वार भी नहीं कर सकते हो. और ब्रिटिश रिजाइड इन दियर हेडक्वाटर्स ब्रिटिशर जो है उनके हेड क्वार्टर में रहेंगे एंड वुड एम्प्लॉय एनी यूरोपियन विदाउट द कंसल्टिंग और किसी को भी एम्प्लॉय नहीं कर सकते बिना ब्रिटिशर को कंसल्ट किए ठीक है उसके साथ साथ ब्रिटिश टूप के जितना भी खर्च होगा उस राज्य को बहन करना पड़ेगा और धीरे 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 वर्चुअली द लॉस्ट दे आर इंडिपेंडेंट मतलब एक तरफ से ये कहें कि ब्रिटिशर्स धीरे धीरे उस पर सारा कब्जा कर लेते हैं सारे तर, हर तरीके से कब्जा कर लेते हैं क्लियर है समझ में आ गया चलिए अब देखो अब दूसरा जो पॉलिसीज है उस पॉलिसी को क्या कहा गया है डॉक्टरिन ऑफ लेप्स आपने सुना होगा डॉक्टरिन ऑफ लेप्स का मतलब होता है राज्य हड़प नीति डॉक्टरिन ऑफ लेप्स का मतलब क्या है राज्य हड़प नीति राज्य हड़प नीति का मतलब क्या है ठीक है सबसे पहला चीज तो है डॉक्टरिन ऑफ लैप्स जो लाए थे वो है लॉर्ड डेलहाउजी ने लाए थे और लॉर्ड डेलहाउजी कौन है लॉर्ड डेलहाउजी जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 से लेकर 1856 रिवोल्ट कब हुआ था 1857 में हुआ था रिवोल्ट तो रिवोल्ट होने के एक साल पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे ठीक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 से लेकर 1856 तक क्लियर है अब देखो बात आती है कि गवर्नर जनरल का मतलब क्या होता है देखो सबसे सबसे पहले क्या था गवर्नर जनरल से पहले गवर्नर जनरल से पहले तो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसके बाद जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था अब ये रिबोल्ट के बाद 1857 में क्या होता ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसका नाम चेंज होके के वाइस रॉय ऑफ इंडिया बन जाता है उसका नाम चेंज होके क्या बन जाता है वाइस रॉय ऑफ इंडिया बन जाता है क्लियर है पेंट वाइस रॉय ऑफ इंडिया फिर से 1947 में फिर चेंज होके वाइस रॉय ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हो जाता है चाहे वाइस रॉय हो चाहे गवर्नर जनरल हो शॉर्टकट अभी के लिए मैं इतना बताना चाहूँगा कि ब्रिटिशर्स के तरफ से जो टॉप पोजिशन हुआ करते थे तो उस टाइम पर उसका नाम गवर्नर जनरल था और उसके बाद वाइसरॉय फर्क कितना है कि देखो गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या था उनके पास सारा पावर था वो सब कुछ करते थे बट जैसे ही रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा इंडियन से उन्होंने कहा कि अब जो है गवर्नर जनरल के पास सारा पावर नहीं रहेगा अब क्या है ब्रिटिश क्राउन जो ब्रिटिशर्स क्राउन जो रानी है उनके पास सारा पावर रहेगा उन्हीं के अंडर वाइस रॉय रहेंगे उसका पोजीशन गवर्नर जनरल नहीं रहेगा उसका पोजीशन वाइस रॉय ये इस तरह का से तो यहाँ पर ये यह मानते हैं कि गवर्नर जनरल का मतलब टॉप पोजीशन हुआ करता था तो तो ये जो थे लॉर्ड डल्हाउजी लॉर्ड डल्हाउजी ठीक है ना उन्होंने ही डॉक्ट्रेन ऑफ लैब्स लाया था डॉक्ट्रेन ऑफ लैब्स का मतलब है देखो राज्य हड़प नीति नाम से ही पता चला कि राज्य हड़प नीति राज्य हड़प नीति का मतलब कोई भी राजा का अपना बेटा या बेटी नहीं है कोई भी राजा का अपना बेटा या बेटी नहीं है दैट किंगडम विल ऑटोमेटिकली अंडर द ब्रिटिश रूल समझ में आया चीज़? सिंपल सी बात है कोई राज्य का खुद का कोई राजा का खुद का अगर बेटा नहीं है तो वो किंगडम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चला जाएगा जिसको राज्य जिसको जो है डॉक्टर अपलैब्स और राज्य हड़प नीति कहा जाता है क्लियर है तो राज्य हड़प नीति के तहत कई सारे स्टेट है कई सारे राज्य जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चला गया था जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मैप में जयपुर ठीक है राजस्थान के जयपुर झांसी संबलपुर उड़ीसा से है नागपुर महाराष्ट्र सतारा भी महाराष्ट्र से है तो, तो ये जो स्टेट थे जयपुर झांसी संबलपुर नागपुर सतारा ये डॉक्टरिन ऑफ लेब्स के हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चला गया था 1848 में सतारा जो है डॉक्टर ऑफ लेप्स के अंडर चला गया था ब्रिटिशर के पास 1850 में जो है संबलपुर संबलपुर सतारा जो है महाराष्ट्र में है और संबलपुर जो है उड़ीसा में है 1850 में ठीक है और 1853 में अभी जो मेहर जैसे कि मेरा जो टाइटल है ना मेहर है वो संबलपुर रीजन से ही होते हैं उड़ीसा के आमतौर पर चले एनी देन एटीन में संबलपुर 1853 में झांसी उसके बाद जो है 1853 में नागपुर और 1849 में जयपुर समझ रहे तो ये जो है लॉर्ड डेल हाउजी एन एक्सेसन ऑफ लॉर्ड डेल हाउजी थ्रो द थ्रो द डॉक्टर ऑफ ठीक है समझ में आया फिर से बता देता हूँ कोई भी राजा का अपना बेटा नहीं होता है तो वो किंगडम ऑटोमेटिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर चला जाता है जिसको कहा जाता है डॉक्टर ने फ्लैप्स राज्य हड़प नीति ये वाला पॉलिसी है ठीक है राज ये जो डॉक्टर ऑफ लैप्स ठीक है पॉलिसी लॉर्ड डलहाउजी जो गवर्नर जनरल थे 1848 से 56 तक ठीक है और उसमें जो स्टेट थे ये स्टेट याद रख लेना सतारा 1848, संबलपुर 1850, झांसी 1853, नागपुर 1853, जयपुर एटीन क्लियर है पॉइंट आर यू क्लियर क्लियर है तो एक बार क्लियर लिखो समझ में आ रहा है तो एक बार क्लियर लिखो चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बट बस इतने सारे बच्चों में से सात आठ बच्चों को समझ में आया है <laughs> सात आठ बच्चे ही क्लियर लिखे हैं बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है <laughs> चलिए चलो समझ में तो सब लोग आ, 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 आ सबको आ गया होगा बट आप लोग लिखे नहीं होंगे है ना चलिए कोई दिक्कत नहीं ठीक है <clears throat> कंजूसी कर रहे हो हैं मैसेज लिखने में चलो कोई नहीं चलो लाइक कर दो अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दो इतना भी काफ़ी है ठीक है क्लियर लिखने में हाथ पेन होता होगा है ना दर्द होता होगा है ना अरे समझ में तो आ रहा है क्लियर लिखने की क्या जरूरत है चलिए ऑनलाइन right. कोई दिक्कत नहीं आप लोगों के लिए हम हैं और हम लोगों के लिए आप हो चलो अब बात करते हैं अगला अगला पॉइंट की तरफ देखो अगला पॉइंट क्या है अगला पॉइंट है आवाज़ क्लियर है मेरी आवाज़ क्लियर है ठीक है आज थोड़ा सा कम आवाज़ में बोल रहा हूँ आवाज़ क्लियर आ रहा है ना मुझे बता दो कि लंबा माराथन एनर्जी भी तो बचा के रखना है ना आज मैं ही पचास ओवर का बॉल अके, अकेला खेलने वाला हूं तो थोड़ा सा पहले डिफेंसिव होना चाहिए ना लास्ट तक एनर्जी बचाने के लिए मैं बताओ नहीं तो चिल्लाऊंगा फिर अभी चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा चले हाँ, ठीक है अब देखो ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलएसड मिस रूल Annexation of अवध, ठीक है अब देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है अगला पॉइंट ये है कि Annexation of अवध, ठीक है अगला पॉइंट है देखो Annexation of अवध, अवध मतलब लख, अवध मतलब आज के डेट में जो लखनऊ का एरिया है अवध मतलब लखनऊ का जो एरिया है एक पास में मैं जहां पर रहता हूँ एक्चुअली रहता हूँ वहां पे मुखर्जी नगर में रहता हूँ यहाँ पर एक शानदार होटल है रेस्टोरेंट है जिसका नाम है अवध का शाम अवध का शाम तो एनी वे दैट अवध मीन लखनऊ ठीक है वहां पर इनफैक्ट खाना बहुत अच्छा मिलता है तो हाँ तो अवध मतलब लखनऊ है सिंपली ये मान देना आज का मॉडर्न लखनऊ है ठीक है सो <laughs> so, देखो एनेक्शन ऑफ अवध ठीक है अवध को ये बोला गया कि यहाँ पे जो है जो रूलर है वो ठीक से रूल नहीं कर पा रहे और ठीक से रूल करना है तो ब्रिटिशर ने कहा कि हम लोग रूल हम लोग रूल करेंगे और उन्होंने लॉर्ड डलहाउजी लॉर्ड डेल ने थर्टीन फेबर एटीन में उसके ऊपर जो है उसने मिस रूल का चार्ज दे अवध को अपने अंडर ले आया अपने अंडर तो ले आया बट सही मायने में ऐसा नहीं है कि वहां पर ख़राब रूल हो रहा था और ब्रिटिशर आके अच्छा से रूल करेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अवध को लाने के बाद अवध के लोगों को और भी ज़्यादा दिक्कत होने लगी मतलब लोगों को और भी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी लोगों के ऊपर जो है टैक्स का बर्डन ज़्यादा हो गया रेवेन्यू कलेक्शन टैक्स के लिए रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा होने लगे बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गार हो गए लोगों का ज़मीन ज़मीन लैंड प्रॉपर्टी छीन लिया गया करीब करीब 75,000 सिपाही जो है पूरी तरह से इस मोमेंट में बिखर गए थे उसकी तरह से पूरी तरह से इम्पैक्ट हुआ था सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस इज ऑल अबाउट द एनेक्शन ऑफ अवध ठीक है ना तो ऑन द प्रोटेक्स ऑफ मिस रूल एनेक्शन ऑफ अवध कौन किया था लॉर्ड डेलहाउज़ी कौन किया था दिखाई दे रहा है लॉर्ड डेलहाउस लॉर्ड डेलहाउसे, <coughs> ठीक है? उसने ये कहा, लॉर्ड डेलहाउसी ने, एनेक्शन अवध अन थर्टीथ फेब 1850 से। आप एक मार हो कि नहीं? 13, 13 जो डेट है, खासकर इतिहास में, मतलब इतिहास की अगर बात करें, 13 में थोड़ा सा कहीं ना कहीं खराब चीजें हुई हैं, ठीक है? अब जो जैसे कि जलिया वाला बाग हत्याकांड भी हुआ था वो भी थर्टीन ऑफ अप्रैल में हुआ था मैं थर्टीन सफ्त की बात कर रहा हूँ एनी सो एन एक्स एस नर्टीन फाइव एटीन फिफ्टी सिक्स अंदर प्रिटेक्स ऑफ द एल एज मिस रूल ठीक है उसके उससे क्या हुआ तो देखो पीपल हैड टू फेस मोर हार्डशिप लोगों को और दिक्कतें आने लगी पीपल हैड टू पे हायर टैक्सेस एंड रेवेन्यू लोगों से ज़्यादा टैक्सेस वसूल किया गया रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा करने के चक्कर में प्रोब प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रोज बेरोजगारी लोगों में बेरोजगारी बढ़ गई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी वर कन्फ्यूसिकेटेड प्रॉपर्टी जमीन कन्फ्यूसिफिकेट का मतलब है कन्फ्यूसिकेटेड का मतलब है छीन लिया गया था प्रॉपर्टी जो है छीन लिया गया था एंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड सिपाही वेर रोस्टली अफेक्टेड सेवेंटी फाइव सिपाही जो है रोस्टली अफेक्ट हो गए थे क्लियर है तो दिस इज अमॉर द एनेक्शन ऑफ आवर ठीक है ठीक है देन उसके बाद <coughs> उसके साथ साथ एक चीज और बता दूं आप लोगों को ठीक है एज ए पार्ट ऑफ दिस डॉक्टर ऑफ लैप्स पॉलिसी ये जो राज्य हड़प नीति था जो डॉक्टर ऑफ लैप्स पॉलिसीज था उसके हिसाब से क्या हुआ था देखो एज ए पार्ट ऑफ द डॉक्टर ऑफ लैप्स पॉलिसी द टाइटल एंड पेंशन जो राजा महाराज का जो टाइटल है एम्पेरियल टाइटल है टाइटल एंड उसके बाद उनको पेंशन भी मिलता था ठीक है उनको पेंशन भी मिलता था अब सम ऑफ द इंडियन प्रिंसली वेर कन्फिसकेटेड ठीक है फिर से सेम वर्ड आ गया यहाँ पर तो यहां पर जो है कि उसका मतलब है छीन लेना ठीक है तो जो टाइटल्स है या फिर जो पेंशन है ठीक है जो टाइटल्स है और जो पेंशन है उसको जो है छीन लिया गया था ठीक है क्लियर है पॉइंट ये किसके था डॉक्टर ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति के हिसाब से ठीक है अब हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट पे पॉलिटिकल कॉज का कि डिसरेस्पेक्ट सोन टू बहादुर शाह बहादुर शाह और उनको ही कहा जाता है बहादुर शाह जाफर बहादुर शाह और उनको ही कहा जाता है बहादुर शाह जाफर आपने सुना होगा वो एक बहुत अच्छे शायर भी थे अगर आप लोग शायरी सुनना पसंद करते हो तो YouTube में या फिर कहीं पर मान लेना कि बहादुर शाह सा जाफर शायरी बहुत अच्छे अच्छे शायर हैं बहुत अच्छे शायरी लिखते थे वो ठीक है ही गुड पॉइंट अच्छा पॉइंट है ठीक सो तो बहादुर शाह जाफर देखो मध्यकालीन भारत में मैंने आप लोगों को बताया था मेडिकल हिस्ट्री में कि मुगल का दो दो फेज था एक है अर्ली मुगल्स अर्ली मुगल्स में ये सब आएंगे जैसे कि बाबर हुमायूं देन अकबर देन जहांगीर शेरशाह औरंगजेब औरंगजेब तक मतलब बाबर से लेकर औरंगजेब तक अर्ली मुगल्स कहा जाता है उसके बाद औरंगजेब आफ्टर औरंगजेब जितने भी रूलर आए हैं वो सब लेटर मुगल्स हैं और अर्ली मुगल्स ही ज़्यादा रिलीवेंट है लेटर मुगल्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है बट कोई दिक्कत नहीं है तो मुगल्स के जो सबसे अंतिम शासक थे उनका नाम है बहादुर शाह जाफर ठीक और है और बहादुर शाह सकेंड तो उसी के टाइम पे ब्रिटिशर ने उसके ऊपर हमला किया था बहादुर सजाफर के ऊपर उन्होंने कैप्चर किया था ठीक है बहादुर शजाफर के उन्होंने कैप्चर किया था ठीक है ना ठीक है सो ए मुगल रूलर उसके बाद जो है जो शाहजहां ने बनाए थे रेड फोर्ट तो शाहजहां ने रेड फोर्ट बनाने के बाद शाहजहां के बाद जितने भी शासक आए थे औरंगजेब उसके बाद जितने भी लोग आए थे सब जो है मुगल शासक रेड फोर्ट में रहते थे तो रेड फोर्ट जो है छीन लिया गया था कंप्लीटली बहादुर श जाफर से उसके बाद उनके वाइफ को भी जिनत महल जो है उनके वाइफ थे उनको रेडफोर्ड मतलब मना कर दिया गया था यूज करने के लिए उसके साथ साथ तो उनके जो बेटे थे उनको भी कैप्चर कर लिया गया था ठीक है तो आप देख सकते हो कि बहादुर शाह जहाँ ए मुगल रूलर वॉज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी बट आफ्टर हिज डेथ लॉर्ड डल हाउस इज अनाउंसिंग दैट द रूलर विडो जिनत महल जो उनके वाइफ थे सक्सेसर कैन नॉट यूज़ रेडफोर्ड एज ए प्लेस तो रेडफोर्ड उसके बाद जो है किसका किसका हो गया ब्रिटिशर के पास हो गया और लॉर्ड कैनिंग अनाउंस दैट सक्सेस कैन दक्सेसर कैनट यूज द इंपेरियल टाइटल्स तो जो इंपेरियल टाइटल्स था जो राजा महाराज का जो उपाधि है जो उसके सक्सेसर या उनके बेटे जो है उसको यूज नहीं कर सकते मतलब एक तरफ से मुगल का एंड हो गया था बहादुर शाह जाफर के बाद कैसे ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर कैप्चर कर लिया था देट वॉज द मेन रीजन ठीक है दैट वॉज द एंड ऑफ द मुगल्स ठीक है देन उसके बाद सेम तरीका ऑलमोस्ट जो है ट्रीटमेंट हुआ था नाना साहेब जी के खिलाफ और रानी लक्ष्मी के खिलाफ रानी लक्ष्मी बाई के खिलाफ आप लोगों को पता होगा खूब लड़ी मर्दानी वाली सुभद्रा चौहान जी का बहुत अच्छा पॉइम है खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी थी है ना बहुत शानदार पॉइम है अब टाइम मिले तो जरूर देखना सुनना मतलब ट्रीटमेंट गिवेन टू नाना साहेब नाना साहेब को जिस प्रकार से ट्रीटमेंट मिला था और ऑल्सो ट्रीटमेंट गिवेन टू द रानी लक्ष्मी बाई ये भी एक कारण बना था रिवोल्ट का किस प्रकार से देखो बाजीराव सेकेंड जो थे जो लास्ट पेशवा थे कौन बाजीराव सेकेंड जो है लास्ट पेशवा थे उनको अब लास्ट पेशवा थे तो उनको जो है पेंशन भी मिलता था ग्रांट भी मिलते थे बट उनका जो है ओरिजिनल सन जो है नाना साहेब नहीं थे नाना साहेब कौन थे एडोप्टेड सन थे मतलब पोस्ट से पुत्र थे और उन्होंने जो है एडोप्टेड सन को कंपनी का जो भागदौड़ है या फिर कंपनी का जो मतलब जो जो ग्रांट है उसको देने के लिए मना कर दिया था पैसा देने के लिए मतलब पेंशन या फिर जो ग्रांट है उसको देने के लिए मना कर दिया था ठीक है एंड ही वॉज सेंट टू कानपुर अवे फ्रॉम द पुना उनको जो है कानपुर भेज दिया गया था जो कि पुना से दूर है उसकी बा, उसके बाद क्या हुआ कि जो है नाना साहेब जो है घर घर जाके लोगों को अवेयर किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में और देट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन सेकेंड सेम टाइप इंसिडेंट रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी थे तो गंगाधर राव को का जैसे ही डेथ हो गया था झांसी को भी डॉक्टरी ऑफ लैब्स के थ्रू जो है हड़प हड़प लिया गया था तो जिसकी वजह से रा, रानी लक्ष्मीबाई ओपनली जो है रिवोल्ट किए थे ब्रिटिशर के खिलाफ तो ये भी एक कारण बनी थी रानी लक्ष्मीबाई और ब्रिटिशर के खिलाफ रिवोल्ट हुआ था पूरी तरह से ठीक है उसके बाद देखो एक लास्ट पॉइंट है पॉलिटिकल कॉजेस में उस पॉइंट का नाम है एबसेंट ऑफ सबरेंटी ब्रिटिश इंडिया वेल्थ इंग्लैंड ऑफ सोवरेंटी देखो ये पॉलिटिकल वर्ड है बट यहां पर मीनिंग क्या है किसी भी प्रकार का जो है उनका अटैचमेंट यहां पर बात की गई है कि इंडियन के प्रति नहीं था और देखो कंप्लीटली वेल्थ ड्रेन टू इंग्लैंड का मतलब क्या है देखो ऐसा नहीं है कि भारत में केवल ब्रिटिशर्स रूल किए थे अब सच बताऊं तो जो दिल्ली सल्तनत थे दिल्ली के सुल्तान्स थे जितने भी चाहे वो सलेब डायनेस्टी हो चाहे वो खिलजी हो चाहे वो तुगलक डायनेस्टी हो चाहे सैयद हो चाहे लोधी हो वो कहाँ से इंडियंस थे अब लोधी जो है अफ़गानिस्तान से था बाकी सलेब सैयद ये सब जो है तुर्क से थे उसके साथ बाबर की भी हम लोग बात करें मुगल्स भी बात करें ये भी तो मतलब इंडियंस तो थे ही नहीं ना ठीक है बट उन्होंने क्या किया था कि इंडिया में आके इंडिया का डेवलपमेंटल वर्क भी किए थे अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अकबर ने रेड फोर्ट बनाया सॉरी अकबर ने आगरा फोर्ट बनाया था बुलंद दरवाज़ा बनाए थे शाहजहां ने लाल किला बनाए थे ताजमहल बनाए थे यहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क भी हो रहा था बट ब्रिटिशर्स ने किसी भी प्रकार का इंडिया से रिलेटेड डेवलपमेंटल वर्क वो नहीं कर रहे थे केबल एंड केबल इंडियन को लूट रहे थे जितना जरूरत से जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो कलेक्ट कर कर सकते थे वो कर रहे थे और उसको वो कहाँ भेज रहे थे वो लंदन भेज रहे थे और इंग्लैंड भेज रहे थे ठीक है मतलब कंप्लीटली ड्रेन ऑफ वेल्थ एक तरह वेल्थ एक तरफ से कह सकते हो किसी भी प्रकार का इमोशनल अटैचमेंट जो है इंडिया के प्रति नहीं था दैट्स वाई दिस इज द दबसेंट ऑफ सबरेंटी ऑफ द ब्रिटिशर्स ठीक है इंडिया वेल्थ ड्रेन टू इंग्लैंड दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ठीक है सो so, ये हमने डिस्कस किया आपके सामने क्या क्या डिस्कस किया ये आपके सामने मैंने डिस्कस किया पॉलिटिकल ठीक है ये आपने सामने डिस्कस किया पॉलिटिकल उसको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं पॉलिटिकल जो मैंने पॉइंट में बुलेट पॉइंट क्या क्या डिस्कस किया देखो ताकि आपका रिविजन हो जाए देखो तो हमने शुरुआत किया था यहाँ पे देखो कि काजेज ऑफ द रिवोल्ट में हमने अभी डिस्कस किया है पॉलिटिकल कॉजेस है ना पॉलिटिकल अब अब बाकी है सोशियो रिलीजियस कॉजे इकोनॉमिक कॉजेज मिलिट्री काज इमीडिएट कॉजेस बाकी है. तो पॉलिटिकल कॉजेज में उसको हमने डिस्कस किया चार भाग में पहला क्या है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंसन देन डिसरेस्पेक्ट सोन टू बहादुर शाह देन नाना साहेब एंड नानी लक्ष्मी बाई देन आपसेंट ऑफ सबर ठीक है तो पहला वाला जो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंसन उसको भी चार भाग में आउटरेट्स ऑफ वार सब्सिडरी अलायंस डॉक्टर ऑफ लेब्स एक्सेशन ऑफ पॉलिसीज़ ये सब हमने डिस्कस किया था यहाँ पर देखो कि सबसे पहले जो है आउट रेट्स ऑफ वार की बात की थी ठीक है उसके बाद जो है हमने सब्सिडरी अलायंस की बात की थी उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स राज्य हड़प नीति ठीक है जो राजा का अपना बेटा नहीं होता है तो वो किंगडम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चला जाता है ठीक है उसके बाद हमने बात किया था लॉर्ड लॉर्ड लॉ लौ, और डेल हाउस एनेक्शन मतलब उसके बाद जो है वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एनेक्शेसन ऑफ अवध अवध को किस तरह से लूटा गया था है ना मतलब कैप्चर किया गया था ठीक है उसके बाद डिसरेस्पेक्ट सोन टू बहादुर सजाफर ठीक है उसके बाद डिसरेस्पेक्ट सोन टू नाना साहेब एंड नानी लक्ष्मी बाई उसके बाद जो है ऑफ सेंट ऑफ सबरेंट यहाँ पर पॉलिटिकल रीजन जो है ख़त्म हो जाता है ठीक है दिस वॉज द एंड ऑफ द पॉलिटिकल रीजन ठीक है उसके बाद आते हैं अगला जो है सोशल देखो यहाँ ये ऐसा इतना लेंदी टॉपिक है कि हर एक रीजन में क्वेश्चन बन सकता है सोशल पॉलिटिकल रीज़न सोशियो कल्चरल सोशो रिलीजियस रीज़न मिलिट्री कॉज क्या है इमीडिएट कॉज है ठीक है तो आपको चीज़ें समझना पड़ेगा अब हम लोग डिस्कस करेंगे सोशो रिलीजियस कॉजस ठीक है सोशो रिलीजियस कारण क्या है यस यस यस, चलिए तो अब देखो अब हम लोग बात करते हैं कि सोशियो रिलीजियस कॉजेस में क्या कारण रहा व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सोशियो रिलीजियस कॉजेस ठीक है ठीक है। सबसे पहला चीज देखो सोशल रिलीजियस कॉजेस में सबसे पहला चीज है कि इंटरफेरेंस ऑफ द सोशल कस्टम सोशल कस्टम का किस तरह से इंटरफेरेंस था सोशल कस्टम में से देखो सबसे पहले है सती सिस्टम आया था वीडियो रिमेरिज एक्ट आया था 1856 में सती सिस्टम को हटाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में देन पश्चिमी सभ्यता का एडोप्टेसन जो कि पंडित और मौलवी उसके खिलाफ थे खासकर महिलाओं पर पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न एजुकेशन वो नहीं चाहते थे तो दिज आर द सम ऑफ द सोशल मतलब दिज आर द सम ऑफ द इंटरफेरेंस दैट दैट एक्चुअली इंडियन डजन वांट फ्रॉम ब्रिटिशर्स ठीक है तो इंटरफेरेंस विद द विद द सोशल कस्टम तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पॉइंट पे मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर इंटरफेरेंस ऑफ द सोशल कस्टम्स जो सोशल कस्टम हम लोग का था ट्रेडिशन था उसके ऊपर ब्रिटिशर का अननेसेसरी इंटरफेरेंस देखो दुनिया में हर एक धर्म हर एक जाति हर एक कस्टम अपना अपना धर्म सबको अपना धर्म प्यारा है सबको अपना धर्म महान लगता है और सब किसी न किसी किसी कोई सबको किसी के धर्म के बारे में किसी और का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है तो यहाँ पर चीज़ें क्या होता है देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सती सिस्टम की बात कर रहा हूँ सती सिस्टम सती समझते हो सती सिस्टम सती सिस्टम ठीक है सती सिस्टम ठीक है? है सती सिस्टम मतलब क्या है पहले समझते हैं उसके बाद हम चीज़ों को समझेंगे देखो सती सिस्टम का मतलब है हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ को जिंदा जलाया जाता था मतलब पहले ज़माने में आज के जमाने में नहीं आज के ज़माने में तो <laughs> चलिए <laughs> वो पॉसिबल नहीं है इतना आपके ज़माने में गर्लफ्रेंड से या वाइफ से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए अगर खुश रहना है तो <laughs> ये तो डेथ की बात हो गई ठीक है पानी भी पीना है घर का काम भी करना है तो खुद कर लेना चाहिए खाना भी बनाने आना चाहिए ठीक है तो आप लोग सीख लो रोटी बनाना या फिर ये मत सोचना कि कल के डेट में आई ऑफिसर बन जाओगे तो आपकी बीबी आपके गुलामी करेगी नो बिल्कुल गलत आप जितना पैसा भी कमा लो पांच लाख दस लाख भी कमा लो बीबी बीबी होती है <laughs> आपके अंडर वो नहीं रहने वाले हाँ चलिए लेट्स कम टू द हा तो मैं ये बात कर सती सिस्टम का मतलब है कि हस्बैंड की डेथ <clears throat> के, के बाद वाइफ को जिंदा जलाया जाता था उस टाइम पे, ठीक है एक तो समर्पण का भावना था उस टाइम पे, ठीक है ठीक है हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ को जिंदा जलाया जाता था ठीक है ना, सो so, मतलब आज के डेट में सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना किसी को जिंदा जला देना ठीक है या फिर किसी को इतना मोहब्बत करते हो इतना प्यार करते हो कि जिंदा जल जाओ कुछ लोग तो अपने प्यार मोहब्बत की वजह से जल जाते थे कुछ लोगों को सोसाइटी जो है जला देते थे कि नहीं जलना पड़ेगा आपको मन नहीं होता तो भी जल जाते थे मतलब इट वॉज़ लाइक सती सिस्टम वॉज लाइक देखो आज के डेट में हमें लग रहा है कि ये कितना मतलब क्रुएलिटी वॉज थी महिलाओं के प्रति कितना क्रुएलिटी हो रहा था उस टाइम पे ठीक है तो डेफिनेटली uh, 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 ये सोसाइटी में ये अच्छाई के लिए तो था नहीं सती सिस्टम कोई अच्छाई तो था नहीं ठीक है मतलब ऐसा नहीं था कि सभी इंडियन जो है सपोर्ट करते थे जैसे कि बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर थे जैसे कि राजा राम मोहन राय जी, रा, राय राजा राम मोहन राय जी तो सती सिस्टम को वो भी हटाना चाहते थे और उनके बहुत सारे सपोर्टर भी थे जो सती सिस्टम के खिलाफ भी थे ऐसा नहीं था कि सब लोग सती सिस्टम को फॉलो करते थे बट जो जिनका सोच है कि सती सिस्टम अच्छा है ठीक है कि उसमें शुभ होता है अच्छा होता है ठीक है ठीक है मतलब मरने के बाद इंसान को जो प्योरिटी मिलती है जो भी सोच है उसके बिहाइंड दैट लॉजिक कुछ लॉजिक का बिहाइंड कुछ कुछ भी करते हैं उसके बिहाइंड कुछ लॉजिक तो होगा तो किसी को जिंदा जला देना मतलब आज के डेट में सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो उसको हटाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इन द ईयर एटीन हंड्रेड ट्वेंटी में एवोल्यूशन ऑफ द सती सिस्टम कौन सा ईयर में एटीन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन में बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक उन्होंने ये कह दिया था कि सती सिस्टम को ये करोगे तो ये जो है एक तरफ से मर्डर की तरह है मर्डर के लिए जो पनिशमेंट है वही सती सिस्टम के लिए भी सेम सती सिस्टम भी एक तरफ से देखा था टेक्निकली वो मर्डर का वो डेफिनेशन दिए थे कि मर्डर के लिए जो पनिशमेंट होगा सती सिस्टम का भी वही पनिशमेंट होगा तो धीरे धीरे सती सिस्टम रुक गया तो सती सिस्टम तो रुकने के बाद क्या होता था देखो उस टाइम पे मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था लोग जो है चाइल्ड मैरिज भी करते थे जवान होते होते जो है लड़का का मान लीजिए कि डेथ हो गया ठीक है देखो लड़की का डेथ हो जाता था तो उस टाइम पे तो दूसरा शादी कर देते दे थे बट अगर लड़का का डेथ हो गया तो सती सिस्टम तो बनता अभी अब जो है लड़की जो है विधवा मतलब वीडियो के हिसाब से रहेगी और वीडियो को उस टाइम पे आज के डेट में मतलब ठीक है बट उस टाइम पे वीडियो को अगेन दोबारा शादी करना मतलब नहीं करवाते थे उनका लाइफ जो है और भी खराब हो जाता था वीडियो का कि घर के अंदर रहना है कहीं मंदिर में नहीं जाना है कहीं शुभ कार्य में नहीं जाना है कहीं किसी ओपनिंग में नहीं जाना है इस तरह का उनका रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा था तो उनका लाइफ मतलब और भी ख़राब था उस टाइम पे, और दोबारा शादी भी नहीं कर सकते थे किसी से तो एक रिफॉर्म लाया गया विडो री एक्ट कौन सा ईयर में इन द ईयर एटीन में रिवोल्ट कब हुआ था 1857 में एक साल पहले विडो रिमेरेज एक्ट आया था उसके खिलाफ भी लोग जो है कुछ लोग जो है सपोर्ट नहीं करते देखो तो यहाँ पर हम लोग कुछ लोग की बात कर रहे हैं कुछ लोग तो वीडियो रिमेरेज को सपोर्ट कर रहे थे कुछ लोग सती सिस्टम एवोल्यूशन हटाना चाहिए मान रहे थे बट कुछ लोगों की बात कर रहे हैं उसके बाद और एक चीज़ है कि वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल गर्ल वॉज नॉट वेलकम बाय द मासस खासकर पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी इन्फ्लुएंस खासकर लड़कियों पर वेस्टर्न एजुकेशन का चाहे वो पंडित हो चाहे मौलवी हो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम्स हो वेस्टर्न एजुकेशन को उनको लग रहा था कि अगर महिलाओं को या गर्ल्स को वेस्टर्न एजुकेशन दे दिया जाए तो हम लोग का जो कल्चर है हम लोग का जो ट्रेडिशन है वो जो बिखर जाएगा ठीक है तो वेस्टर्न एजुकेशन को एक तरफ से रेस्ट्रिक्ट किया जाए ठीक है ताकि हम लोग अपना जो परंपरा है अपना जो ट्रेडिशन है अपना जो कल्चर है उसको बरकरार रख सकें कहीं ऐसा ना हो कि मतलब उसके हिसाब से हम इन्फ्लुएंस हो जाए सो दिस वॉर द फर्स्ट रीजन देखो आपके मन में चल रहा होगा कि ये सती सिस्टम को हटाना विडो रीमेरेज का एक्ट पास करना पश्चिमी सभ्यता ये तो अच्छी अच्छी चीज है हम सीखने को मिलेगा ठीक है मैं मानता हूँ ये अच्छी चीज़ है बट सोसाइटी इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं था सोसाइटी के लोग इतने ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं थे कि उसको पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट किया गया था कुछ लोग ऐसे थे उसको नेगेटिवली ले गया था कि उनको ब्रिटिशर का इंटरफेरेंस पसंद ही नहीं आया था आर यू गेटिंग माई पॉइंट सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ द सोशल कस्टम दूसरा पॉइंट पे देखिए कि अप्रिहेंसन अबाउट द मॉडर्न इनोवेशन लाइक रेलवे एंड टेलीग्राफ ठीक है अब जैसे कि रेलवे सिस्टम आया था ठीक है रेलवे सिस्टम जो है ट्रांसपोर्टेशन को नो डाउट थोड़ा सा इजी कर दिया था बट उन लोगों में इन लोगों को परेशानी होती थी उस टाइम पे कास्ट सिस्टम वाज देयर ब्राह्मीण क्षत्रिय वश्य शूद्र तो सभी कास्ट एक साथ नहीं रहते थे जैसे कि एक स्कूल में नहीं पढ़ते थे एक मंदिर में नहीं जाते थे एक साथ खाना नहीं खाते थे ये सब चीज़ें था तो जब ट्रैवल करना होता था तो अलग अलग तो नहीं था ना अलग अलग बॉगी नहीं था कि जनरल अलग बैठेंगे एस सी एस टी अलग बैठेंगे ऐसा तो नहीं था ठीक है तो सबको एक साथ बैठना पड़ता था उसमें जो कुछ लोगों का दिक्कत आने लगा ठीक है समझ रहे हो और टेलीग्राफ को टेलीग्राफ जब हुआ लोगों ने उसको गलत तरीके से ले लिया था उसके बाद देखो पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पॉलिशी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो अमीर था जिसके पास पैसा था वो छूट जाता था जो गरीब था उसको ह्यूमलेट करते थे टॉर्चर करते थे मारते थे पीटते थे समझ रहे हो करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में करप्शन आ गया रिच वेर अलाउड टू गो अवे आफ्टर द क्राइम एंड पुअर वर लूटेड एंड टॉर्चर तो क्राइम करने के बाद भी अमीर लोग बच जाते थे ठीक है और गरीब लोगों को टॉर्चर सहना पड़ता था ऑपरेशन ऑफ द पोअर बीटिंग टॉर्चर इम्प्रिजनमेंट गरीब लोगों को दिया जाता था उसके बाद देखो फियर रिगार्डिंग द वेस्टर्न एजुकेशन ये मैं बता चुका था पंडित हो या मौलवी हो पश्चिमी सभ्यता और पश्चिमी शिक्षा को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे ठीक है और टैक्सिंग रिलीजियस प्लेसेस देखो इंडिया वॉज बिलोंगिंग बिलोंग टू टेम्पल्स एंड मश इंडिया में कई सारे मंदिर हैं कई सारे मस्जिद हैं तो वहाँ पर टैक्स लगता था तो उसके ऊपर भी उन्होंने एक तरफ से टैक्स लगाया था ब्रिटिशर्स ने ये आप पिक्चर देख सकते हो सती सिस्टम का हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ को जलाया जा रहा है देखो ये सेलिब्रेशन हो रहा है सती का एक तरफ से ठीक है द सोशल लेजिस्लेशन ऑन द ऑफ सती इवीलाइड रीमेरेज ऑफ द वीडियो कंफ्यूड तो ये एक सती सिस्टम का पिक्चर है ठीक है और ये एक पिक्चर है आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन द प्रोपोगेशन ऑफ द वर्क ऑफ द क्रिस्टियन मिशनरी देखो क्रिस्टियन मिशनरी जो है इंग्लिश एजुकेशन के नाम पे लोगों को क्रिस्टैनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे ठीक है जो पश्चिमी सभ्यता के नाम पे लोगों को क्रिस्टियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे इस चीजों को भी लोगों ने पूरी तरह से नहीं एक्सेप्ट किया था ठीक है उसके बाद आता है इकोनॉमिक काजेस क्या आता है इकोनॉमिक काजेस आर्थिक कारण ठीक है चलो एक चीज़ बताता हूँ देखो आप लोगों को यहाँ पर कि प्यारे बच्चों आज हम लोग कोशिश करेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का मैक्सिमम टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक को कवर करेंगे ठीक है कम से कम मैं सोच रहा हूँ कि चार पाँच घंटा फोर फाइव फाइव आवर्स तो फोर टू फाइव आवर्स तो हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे ठीक है उसमें क्या हो जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का बेस आपको मैं क्रिएट करके दे दूंगा आज का वीडियोज़ में ठीक है उसके बाद बेशक आप जो है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन पढ़िए कोई और वीडियो देखिए इंडिविजुअल वीडियो देखिए देखो डिटेलिंग में जाना है तो आप इंडिविजुअल देखो उसके साथ साथ बता दूं आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो सीडीएस की तैयारी कर रहे हो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो एसएससी की तैयारी कर रहे हो एनडीए की तैयारी तो भी ये जो है रेलिवेंट है आपको मतलब हेल्प करेगा ऐसा नहीं है कि खाली यूपीएससी के लिए हेल्प करेगा क्योंकि मिनिमम टाइम के अंदर मेरा यहाँ पर कोशिश है कि मैक्सिमम कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ और आज मैं डिस्कस करूँगा सारा कोशिश करूंगा कि जितना टाइम तक आप लोग रहोगे ना उतना टाइम तक मैं जो है आज कंटिन्यू करूँगा ठीक है हर एक वन आवर में थोड़ा सा पाँच दस मिनट का ब्रेक लेंगे फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे कम से कम फोर फाइव आवर्स तो मिनिमम है बाकी आप लोग अगर आप लोग का पैसेंस है आप लोगों का स्टेमिना है आप लोगों का एनर्जी है तो मैं और भी पढ़ाऊंगा ठीक है चलिए तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे हल्का सा ब्रेक है ब्रेक के बाद जो है पांच मिनट का ब्रेक है ब्रेक के बाद जो है हम लोग फिर से बने रहना जुड़े रहना आज जो है लंबा क्लास चलेगा हो सके तो मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं कवर करूंगा आज मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है बस आपका पेशेंस होना चाहिए Oh. <laughs> ठीक है गाइस ठीक है आवाज क्लियर है बता दो एक बार इस ऑडिबल और क्लियर लिख दीजिए बहुत अच्छा वेरी गुड रे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चल हाँ तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक कॉजेस के बारे में बात कर रहे हैं वट आर द इकोनॉमिक कॉजेस ठीक है ना इकोनॉमिक कॉजेस में सबसे पहला कारण देखो अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे बातों को ठीक है भले ही मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग जो है पार्ट टू भी लेके आएंगे या पार्ट थ्री भी चाहे तो पार्ट पार्ट थ्री भी लेके आएंगे बट हर एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं है ना मतलब ऐसा ब्रीफली नहीं शॉर्टकट के हिसाब से नहीं कि शॉर्टकट के हिसाब से पढ़ा के चला गया हर एक टॉपिक को बारीकी से ब्रीफली समझते हैं उसके बाद जो है हर एक पॉइंट को डिटेल में हम लोग समझते हैं है ना ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इकोनॉमिक एक्सप्ल्टन ठीक है ठीक है ये इकोनॉमिक कॉजेस में ये सब इकोनॉमिक कॉजेस का उसको एक एक पॉइंट करके हम लोग रिलेट करेंगे जैसे कि अभी अभी अभी, अभी, अभी अप, आप लोग जो थे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ डीके ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट ये सब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहला पॉइंट जो है इकोनॉमिक एक्सप्ल्टेशन ठीक है ये इकोनॉमिक कारण का कॉजेस <coughs> का रीजन है वन ऑफ द रीजन तो इकोनॉमिक कॉजेस में देखो पहला चीज है <coughs> इंडिया वाज़ पोर्स टू एक्सपोर्ट कॉटन सिल्क एट द चीपर रेट टू द इंग्लैंड अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं कॉटन की बात करूं सिल्क की बात करो या फिर इंडिगो प्लांटेशन की बात करो ये सब क्या है ये सब को कहा जाता है कैश क्रॉप कहा जाता है कैश क्रॉप कैश क्रॉप क्रैश क्रॉप मतलब समझते हो जो क्रॉप हम लोग कमर्शियल पर्पज में यूज करते हैं जिसका केवल एंड केवल बेनिफिट है कमर्स कमर्शियल पर्पस में मतलब बिजनेस पर्पस में अब जैसे कि दाल चावल पेड़ी है या फिर गेहूँ है ये सब क्या है ये खाने के लिए भी इस्तेमाल करता है फार्मर जो है जो गरीब फार्मर है वो नॉर्मली कमर्शियल पर्पस में क्यों ये सब कॉटन सिल्क टी कॉफ़ी रबर ये इंडिगो ये सब क्यों करेगा ये ब्रिटिशर के लिए मजबूरी में करना पड़ रहा था और उनको फोर्सफुली जो है कम रेट में उनको भेजना पड़ रहा था जिसमें उसकी उसका रीज़न ये था कि फार्मर खुद अपने लिए नहीं कर पाता था दाल चावल रोटी मतलब यू कैन से राइस वेट ये सब नहीं कर पाता था सेकेंड है फोर्स टू प्लांटेशन ऑफ इंडिगो एंड टी मतलब इंडिगो टी के मामले में भी जबरदस्ती की जाती थी कि आपको करना ही होगा एंड इंडिया हैड टू एक्सेप्ट द रेडीमेड ब्रिटिश गुड्स और देखो यहाँ से रॉ मेटेरियल जाता था इंग्लैंड को और लंडन को वहाँ से फिनिश गुड आता था जिसकी वजह से हम लोग का जो कॉटेज कॉटेज इंडस्ट्री है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है एग्रोबेस्ड इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से कम्पीट नहीं कर पाता था तो जिसकी वजह से बेरोजगारी तो बढ़ा ही इंक्रीजिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो हुआ ही उसके साथ साथ हम लोग उसको कम्पीट भी नहीं कर पाते थे ठीक है जिसकी वजह से हम लोग ही अफेक्टेड होते थे ठीक है उसके साथ साथ देखो ड्रेन ऑफ वेल्थ सेकेंड पॉइंट जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ ठीक है आफ्टर बेटल अपलासी एक तरफ से ब्रिटिशर्स स्टॉप्ड ब्रिंगिंग गोल्ड टू इंडिया मतलब सोना लाना भी बंद कर दिए थे और उसके बाद क्या हुआ था कि उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जितना भी टैक्स जो है यहाँ से वसूल करेंगे पैसा यहाँ से वसूल करेंगे और जो भी मैनेजमेंट है यहाँ पर खर्च करेंगे और जो बचेगा यहाँ के डेवलपमेंट के लिए नहीं करेंगे वो जो बचेगा किसको भेजेंगे इंग्लैंड को भेजेंगे लंडन को भेजेंगे तो कंप्लीट ड्रेन ऑफ वेल्थ तो यहाँ पे रॉ मेटेरियल जाएगा इंग्लैंड को वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट आएगा इंडिया में और इंडिया इज़ द बेटर मार्केट तो इस तरह का उनका पॉलिसी था देन आप देख सकते हो हैं, तो हैंडलूम हैंडलूम इंडस्ट्रीज हैड बीन डस्ट्राइड वॉस ऑब्वियसली बात है जो मशीन मैन मेड गुड था उसको हम लोग कम्पीट नहीं कर पाते थे इंडियन ठीक है दैट वाज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट रोजगारी जो है बेरोजगारी जो है बढ़ गया था ठीक है बेरोजगारी बढ़ गया था उसके साथ साथ इन हीमन ट्रीटमेंट टू द इंडिगो कल्टिवेटर्स जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे उनको ट्रीटमेंट जो है ब्रिटिशर सही से नहीं करते थे अगर मान के चलो कि वो अगर इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करते हैं या तो प्रोडक्शन करने के बाद ब्रिटिशर को नहीं देते हैं तो उनके जमीन छीन ली जाती थी उनका कैटल या फिर जो एनिमल्स थे वो सब छीन ली जाती थी उसके बाद पोवर्टियन फेमाइंस हुआ था करीब करीब जो है देखो करीब करीब जो है ट्वेल्व टाइम्स बारह बार जो है पोवर्टी फेमायंस हुआ था बट ब्रिटिशर लिस्ट कंसर्न अबाउट द पॉवर्टी एंड फेमाइंस इन इंडिया तो यहाँ पर लोग मतलब अच्छा से खाना खाएं ना खाएं प्रोडक्शन हो ना हो लोगों को सफिशेंट ना हो ना हो उससे ब्रिटिशर को ज़्यादा मतलब नहीं था ठीक है तो ये चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आया था इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ द प्रजेंट्री तो जिसकी वजह से अगर केवल ही कैश क्रॉप ही करेंगे इंडिगो इस तरह का चीज़ें करेंगे उनका जमीन और कैटल जो है छीन लिया जाएगा उन उनके ऊपर ज़्यादा हैवी बर्डन होगा टैक्सेस होगा तो जाहिर सी बात है उनका कंडीशन ख़राब हो जाएगा डिक्लाइन ऑफ लैंड ए उसके साथ साथ जितने भी जो है तलकदार थे या फिर जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उनका ज़मीन भी छीन लिया गया था ज़बरदस्त थी वो ब्रिटिशर्स अपने नाम पे करवाते थे ठीक है जिसकी वजह से कंडीशन और ख़राब होता गया तो फार्मर वर फोर्स टू तो ग्रो द कैश क्रॉप्स देर आर सीवियर फूड शॉर्टेज एंड द फेम ओब्वियसली बात है कैश क्रॉप ही करेंगे तो खाने का जो चीज़ है गेहूँ है चावल है ये सब प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से जो है फूड शॉर्टेज होगा जिसकी वजह से दिक्कत आएगी है ना उसके बाद जो है मिलिट्री कॉजेस मिलिट्री कॉजेस क्या है सैनिक कारण <coughs> देखो सैनिक कारण में क्या है कि सिंपल सी बात है रहने के लिए खाने के लिए सोने के लिए सब कुछ जो है ब्रिटिशर के पास अच्छा था इंडियन के पास अच्छा नहीं था उसके साथ साथ हाई पोस्ट एंड हाई सैलरी कंफाइंड टू द ब्रिटिशर्स लो पोस्ट एंड लो सैलरी गिवेन टू द इंडियंस हर मामले में मतलब इंडियन ज्यादा एफिशियंट होते हुए भी उसको जो है ज्यादा सैलरी नहीं मिलता था एफिशियंट होते हुए भी ज्यादा हायर पद में नहीं होता था सुबेदार नाम का एक पद होता था दैट वॉज द हाइस्ट वॉज देट वॉज द हाइस्ट हाइस्ट पद ठीक है क्लियर yeah. है तो यहां पर देखो मिलिट्री कॉलेज में <laughs> अब मिलिट्री कॉर्जेस में देखो ये सब चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी कि इल ट्रीटमेंट टू द इंडियन सोल्जर लोअर सैलरी डिप्रोवेशन ऑफ द अलाउंसेस ये सब पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहला पॉइंट क्या है इल ट्रीटमेंट टू द इंडियन सोल्जर ठीक है इंडियन सोल्जर के प्रति उनका जो ट्रीटमेंट था वो अच्छा नहीं था देखो इंडियन Indian... देखो ये एक पिक्चर है ठीक है सुबेदार नाम का एक पद हुआ करता था सुबेदार सुबेदार दिस वाज द हाईएस्ट पोजीशन इन मतलब मिलिट्री सो फॉर एज इंडियन इज कंसर्न इंडियन का ये पद जो है हाईएस्ट होता था उससे प्रमोशन ऊपर वाला पद जो है इंडियंस को नहीं देते दे दे थे एनी anyway, सबसे पहला पॉइंट देखो मिलिट्री कॉलेज में इल ट्रीटमेंट टू द इंडियन सोल्जर चाहे रहने के लिए हो चाहे खाने के लिए हो चाहे दूसरा फैसिलिटीज के मामले में हो इंडियंस को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था, था। और ब्रिटिशर्स को उस केस में अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता था ठीक है जैसे कि आप टर्बान नहीं बांध सकते आप बियर्ड जैसे कि सिख लोग बियर्ड रखते हैं बियर्ड नहीं रख सकते तो ये ये उनके सेंटीमेंट को कदर ही नहीं करते थे दे डज़न कदर अबाउट दे डजन वैल्यू अबाउट दे सेंटीमेंट इंडियन सेंटीमेंट की फीलिंग ठीक कि टर्बन का क्या मतलब होता है बियर्ड का क्या मतलब होता है उनका उनसे मतलब ही नहीं था उसके बाद लोअर सैलरी इंडियन जितना भी एफिशेंट हो जितना भी अच्छा काम करे जितना भी सब कुछ करे उनको जो है कम सैलरी मिलता था कम वेतन मिलता था हाई सैलरी एंड हाई पोजिशन गिवन टू होम हाई पोजिशन एंड हाई सैलरी गिवन टू ब्रिटिशर्स एंड लो पोजिशन एंड लो सैलरी गिवन टू द इंडियंस लो सैलरी एंड लो पोस्ट गिवन टू द इंडियन ठीक है लो पोजीशन एंड लो सैलरी गिवन टू द इंडियंस ठीक है तो और इंडियन ज्यादा भी जितना भी एफिशिएंट होता था उसका प्रमोशन नहीं हो पाता था है ना उसके बाद देखो डिप्रिवेशन ऑफ द अलाउंसेस देखो सात समुंदर पार, पार करना एक तो इंडियन को टाबू था मतलब एक तरफ से मान के चले कि इंडियन नहीं जाना चाहते थे फिर भी उनको सात समुंदर या फिर जो है फॉरेन कंट्री में या दूसरे कंट्री में भी उनको जाना पड़ता था, था लड़ना पड़ता था, था फिर उनके लिए एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं था एक्स्ट्रा भत्ता नहीं था वर्स ब्रिटिशर के लिए वो एक्स्ट्रा भत्ता एक्स्ट्रा सब कुछ देते थे बट इंडियंस को नहीं देते थे लेस चांसेस ऑफ प्रमोशन चाहे जितना भी एफिशेंट हो चाहे जितना भी इफेक्टिव काम करे जितना भी अच्छा पोजीशन में रहे सुबेदार नाम का जो पद होता था वो जो है सबसे हाईएस्ट पद होता था उससे ज्यादा सीनियर का पद होता ही नहीं था इंडियंस के लिए कन्फाइंड था एक चीज देखो जनरल सर्विस एनलिटमेंट एक्ट का मतलब क्या है इट वॉज कंसिडर एज टाबू फॉर द ब्राह्मीण टू क्रॉस द सी साथ समुंदर पार करना एक तरफ से ब्राह्मीण के लिए टाबू था बट इन स्पाइट ऑफ दैट द ब्रिटिश ट इंडियन ओवरसीज ऑन ड्यूटी उसको कदर नहीं करते हुए वो जो है ओवरसीज में उनको ड्यूटी में भेजते थे एंड डिटनाट बदल बदर अबाउट देर सेंटिमेंट उनसे उनसे उनका सेंटिमेंट से कदर ही नहीं था मतलब लार्जर पोर्शन ऑफ द इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी और जो ब्रिटिश आर्मी था कहने के लिए तो ब्रिटिश आर्मी था उसमें ज़्यादातर जो है इंडियंस थे अगर ज़्यादातर इंडियंस होंगे तो क्या होगा इंडियंस में अपना सेल्फ कन्फिडेंट कॉन्फिडेंट बुस्टअप होगा कि कहने के लिए तो ब्रिटिश पावर है ब्रिटिश आर्मी है बस उसमें ज़्यादा जो है इंडियंस हैं तो फ़ायदा किसको ज़्यादा होगा मतलब एक तरफ से कॉन्फिडेंट किसका ज़्यादा बढ़ेगा इंडियंस का ज़्यादा बढ़ेगा कि उनको लगेगा कि हम लोगों की वजह से ही ये लोग इतने पावरफुल हैं जाहिर सी बात है ठीक है एंड फल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्रुप्स जैसे कि जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस था जैसे कि दिल्ली था अलाहाबाद था ठीक है यहाँ पर जो है पहले पहले कौन था इंडियन आर्मी ही हुआ करते थे जो कम इम्पोर्टेंस प्लेसेस होता था वहां पर ब्रिटिशर्स रहते थे उसका मतलब क्या है इंडियंस आर मोर इंपोर्टेंट इन सो फार एज मिलिट्री इज कंसर्न पोअर परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रिटिश ट्रुप एज आई टोल्ड यू कि ब्रिटिश आर्मी में ज्यादातर जो है इंडियंस थे ब्रिटिशर ब्रिटिश आर्मी कहने के लिए नाम था बट ब्रिटिश आर्मी कम थे और जहां पर इंडियंस ने उनको साथ नहीं दिया वो हार जाते थे उसका मतलब क्या हुआ इंडियंस आर मोर पावरफुल तो पोर परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रिटिश ट्रुप ब्रिटिश ट्रुप कहीं पर भी जाते थे उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था उससे इंडियन का ही एक तरफ से बुस्टअप हुआ था ठीक है तो आर द मिलिट्री काजेस कि उनको लगने लगा था कि हम लोग कम किसी से नहीं है बट एक घटना हुआ जिसको कहा जाता है इमीडिएट काजेस तुरंत इमीडिएट देखो पॉलिटिकल काजेस रिलीजियस काजेस सोशल रिलीजियस काजेस इकोनॉमिक काजेज मिलिट्री काजेस तो था ही लोग सहते आ रहे थे बट एक घटना ऐसा घटा घटा उस टाइम पे मतलब ये कहता है ना कि आग लगने के लिए एक चिंगारी की जरूरत है है ना तो इट लाइक लाइक ए स्पार्क ठीक है मतलब एक चिंगारी की ज़रूरत होती है दैट इज दैट इज़ नोन एज इमीडिएट कॉजेस ठीक है इमीडिएट काजेस में क्या था देखो ये पिक्चर आप देख लो यह एक लंबा सा जो है एनफील्ड राइफल अगर मंगल पांडे मूवी देखे हो तो लंबा सा बंदूक हुआ करता था मैं भी पिक्चर में दिखाऊंगा उसमें एक राइफल लगता था राइफल राइफल मतलब वहां पर कैटरीज कैटरीज उसको चुबाना पड़ता था दांत में ऐसे चुबाना राइफल इस तरह उसको दांत में ऐसे चुबाना पड़ता देखो आप अगला पिक्चर में देखो देखो इस तरह का बंदूक हुआ करता था ठीक है उस बंदूक में देखो ये राइफल को जो जो कारतूस है उसको जो है चुबाना पड़ता था मान लीजिए ये कारतूस है उसको ऐसे दांत में निकालना पड़ता था और फिर ऐसे उसको डाल सकते थे बंदूक में डाल सकते थे फिर डालने के बाद जो है उसको ऐसे ऐसे करके डालने के बाद ऐसे ऐसे करके फिर जो है खुली मार सकते थे समझ रहे तो इस तरीके तो ये जो दांत में चुबाने वाला चीज है दिस वॉज मेड ऑफ बीफ एंड पोर्क बीफ का मतलब क्या है गोमांस है गोमांस तो हिंदू धर्म के हिसाब से हम लोग गौ माता के हिसाब से मानते हैं पूजा करते हैं एक तरफ से ठीक है बट हम लोग बीफ हिंदू धर्म के हिसाब से जो हिंदू हैं बीफ तो नहीं खाते चाहे नॉनवेज खाते हैं बट बीफ तो कोई भी नहीं खाता है है ना बीफ मतलब एक तरफ से गौ माता के हिसाब से मानते हैं किसी भी एंगल में कोई भी हिंदू बीफ नहीं खाता तो एक धर्म नष्ट हो जाती है एक तरफ से और पोर्क जो है मुस्लिम भी नॉनवेज खाते हैं ठीक है वो लोग तो दबा के खाते हैं लेकिन पौर्क वो लोग नहीं खाते हैं पोर्क मतलब उनका धर्म नष्ट हो जाता है ठीक है नॉन इस्लामिक माना जाता है ठीक है तो ये दांत में चुवाना मतलब क्या हुआ एक तरफ से टेस्ट ही तो हो गया सो so, तो दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ़ द हिंदू एज वेल एज मुस्लिम्स तो इनिशियल स्टेज में जाके वो ब्रिटिशर को कंप्लेन किए थे कि आप उस चीज़ को बंद कर दो ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुका था अगर बंद करते तो उनको ज़्यादा खर्च खर्च करना पड़ता कि अगर प्लास्टिक का बनाते या किसी और चीज़ का बनाते तो ज़्यादा खर्च पड़ता और ऑलरेडी जो प्रोडक्शन हो चुका था उसको रोकना पड़ता वो वेस्ट में चला जाता तो इसलिए ब्रिटिशर जो है वेस्ट नहीं करने के लिए या फिर ज़्यादा खर्च नहीं करने के लिए उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है कर लो हम नहीं करेंगे तुम्हें जो करना है कर लो हम जो है हम जो है चेंज नहीं करेंगे बी फॉर और का बनेगा तो दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ़ द हिंदू एज एल अ मुस्लिम एंड विदाउट प्लानिंग एंड विदाउट स्ट्रेटेजी दॉन्स्ट द ब्रिटिशर्स समझ लो चीजें ये घटना के बाद बिना सोचे बिना समझे बिना प्लान के उन्होंने जो है शुरुआत कर दी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ दिस इज नोन एज यहाँ से शुरुआत होता है रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन ठीक है सो दिस आर द काजेस तो हर एक पॉइंट हर एक काजेस का पॉइंट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट में भी रिलीवेंट है दैट मे बी द पॉलिटिकल दैट मे भी सोशो रिलीजियस डेट मे बी इकनॉमिक दैट मे भी मिलिट्री और दैट मे भी इमिडिएट काजेस ठीक है ना अब आते हैं कि रिवोल्यूशनर सेंटर कहाँ कहाँ पे हुआ था और लीडर कौन कौन थे कौन कौन था सेंटर के लीडर कौन कौन थे ठीक है ना <coughs> चलो ठीक है हाँ तो यहाँ पर देखो रिवोल्यूशनर सेंटर है ठीक है रिबोल्यूशनरी सेंटर उसके साथ साथ जो है रिवोल्यूशनरी सेंटर के साथ साथ जो है लीडर्स कौन कौन से लीडर थे देखो बाराकपुर से जो थे मंगल पांडे जी बाराकपुर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई उसके बाद जो लखनऊ से बेगम हजरत महल फ्रॉम द लखनऊ देन कानपुर से नाना साहेब फ्रॉम द कानपुर देन बरेली से खान बहादुर खान फ्रॉम द बरेली ठीक है बिहार से कुंवर सिंह ये सवाल तो यूपीएससी में भी आया था कि बिहार से कौन से लीडर थे तो किसी का भी आ सकता है ऐसा नहीं कि केवल ये आया था तो एक ही है दूसरे स्टेट का भी आ सकता है उड़ीसा से बीर सुरेंद्र साय उज्ज्वल सा वीर सुरेंद्र साय, साय उज्जल साहें कल्पी से तांत्या टोपे तांत्या टोपे और दिल्ली से बहादुर शाह जाफर और बहादुर शाह सेकंड तो बहादुर शाह सेकंड और बहादुर शाह जाफर जो हैं ही वॉज द लीडर एमंग द लीडर जितने भी लीडर थे उनसे सबसे लीडर ऑफ द लीडर क्यों चूज किया गया क्योंकि एक तो ये दिल्ली के सुल्तान थे दिल्ली के राजा थे ऑब्वियसली दिल्ली के राजा मतलब एक तरफ से पावरफुल लोग होते ही हैं दिल्ली के राजा उस टाइम पे दिल्ली तो है पावरफुल था ही सबसे तो राजा थे इसलिए उनको लीडर ऑफ द लीडर चूज कर दिया गया ठीक है हालांकि वाज द लास्ट मुगल एम्परर मैंने बताया भी था अभी देन <clears throat> उसके बाद देखो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट रिवोल्ट कहाँ कहाँ पर हुआ था कुछ इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवोल्ट रिवोल्ट कहाँ कहाँ पर हुआ था अब देखो रिवोल्ट कहाँ कहाँ पर हुआ था देखो मेरठ में हुआ था ठीक है मेरठ में हुआ था दिल्ली में हुआ था यहाँ पर देख सकते हो आप कि मेरठ है ठीक है दिल्ली है कानपुर है ठीक है अवध है अवध मतलब लखनऊ कलकत्ता है झांसी है द मेन सेंटर जहाँ जहाँ पर मेरठ दिल्ली, अवध कानपुर झांसी ग्वालियर तेज़ ज़्यादा मेन सेंटर साइड में लिखा भी गया है, देखो आर द मेन सेंटर जहाँ पर हुआ था ठीक है मेरठ दिल्ली अवध कानपुर झांसी एंड ग्वालियर ठीक है ठीक है तो ज्यादातर जो है कॉमन पीपल पार्टिसिपेट किए थे जो जमींदार क्लासेस जो रूलर क्लासेस ठीक है और जो मिडिल क्लासेस इंटेलेक्चुअल क्लासेस ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए थे ज्यादातर जो है ठीक है फार्मर और सिपाही क्लास ज्यादा पार्टिसिपेट किए थे इस है? So, सबसे पहले देखो आप ठीक है मंगल पांडे जी ठीक है सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं मंगल पांडे जी ठीक है जो रिबोल्ट के हीरो हैं कह सकते हो ठीक है तो उनका जन्म हुआ था ठीक है उत्तर प्रदेश में ठीक है नगवा डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ठीक है और उन्होंने इनिशियल एक तरफ से शुरुआत किया था रिबोल्ट का ठीक है ही वॉज नोन फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिवोल्ट इनिशियली उन्होंने एक तरफ से शुरुआत किए थे वाइल्ड कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश रिपोर्ट कंसिडर हिम एज ए ट्रेटर ऐसा द इंडियन गवर्नमेंट इशूज ए पोस्टे स्टाफ टू कमोम ठीक है नाइनटीन एटी फोर में उनको रेस्पेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है एक पोस्टे स्टाफ उनके नाम पर निकाला था और उनका मतलब एक तरफ से एटीनथ अगस्त एटीन फिफ्टी सेवन में उनका डेथ हो गया था एंड <laughs> मंगल पांडे वाजे सिपाही इन द थर्टी फोर्थ बेंगल नेटिव इन्फेंट्री ठीक है ये याद रख लेना ठीक है थर्टी फोर्थ बेंगल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फायर ऑफ द फर्स्ट शॉट ऑफ द ऑपराइजिंग बैरकपुर पैरेड ग्राउंड ऑन मार्च ट्वेंटी नाइन एटीन तो पहला गोली का शुरुआत उन्होंने किया था और ही वाज सिपाही इन द थर्टी फोर्थ बेंगल नेटिव थर्टी फोर्थ बेंगल नेटिव नेटिव इन्फेंट्री ठीक है उसके बाद देखो कोर्स एंड स्प्रेड ऑफ द रिपोर्ट ठीक है नाइन्थ में में क्या हुआ था कि 85 सिपाही वर कोर्ट मार्शल नाइन्थ मे को 85 सिपाही को हटा दिया गया कोर्ट मार्शल कर दिया गया ठीक है एंड दे रिफ्यूज टू यूज़ द न्यू कटरीज न्यू कंट्रीज बना था दैट इज़ देट मेड मेड बीफ एंड पोर्क उसको जो है यूज़ करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ था कि पूरे जो है जितने भी मतलब लोग थे उन्होंने जेल के ऊपर अटैक कर दिया था ठीक है और सिपाही जो है वहाँ से चले गए थे ठीक है उसके बाद जो है मतलब शुरुआत हो गया था अगले दिन मतलब टेंथ मे से अगले दिन टेंथ मे दैट इज 1857 से एक तरफ से स्टार्ट हो गया था एक तरफ से और वो लोग पहले गए थे कहाँ दिल्ली की तरफ वो लोग सबसे पहले गए थे दिल्ली की तरफ ऑन ट्वेल्थ मे 1857 दिल्ली वास द कस्टोडी बाय द रिवल एंड सन ऑफ द यूरोपियन सॉल्डेड वहाँ पर कुछ लोगों को मार दिया गया था और वहाँ पर जो है बहादुर शाह जाफर को कन्विंस किया गया था कि लीडर ऑफ़ द लीडर के लिए और वो लीडर भी बने थे ठीक है लीडर भी बने थे ठीक है <coughs> हालांकि लास्ट कंडीशन में बहादुर शाह जाफर को भी ब्रिटिशर ने कैप्चर कर लिया था एंड ट्वेंटी सेवन ब्रिटिश रिगे इन डेली एंड जो उनके तीन बेटा थे तीन बेटा थे उनको भी कैप्चर कर लिया गया था और बहादुर शाह को रंगून भेज दिए गए थे ठीक है और उनका डेथ हुआ बहादुर शाह जाफर का डेथ हुआ था एटीन में उनका डेथ हो गया था ठीक है बहादुर शाह जाफर का ठीक है देन <coughs> देखो रियल कमांडर वाज इन द हैंड ऑफ़ द बख्त खान बहादुर शाह जो है उस टाइम पे ओल्ड हो चुके थे तो असल पावर जो किन के पास था वक्त खान के पास था असल कमान ठीक है रेड फोर्ट को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था पूरी तरह से ठीक है ना ही उनके मैंने बताया था जिनत महल को भी नहीं दिया गया था रेड फोर्ट ना ही उनके बेटे को दिए गए थे ठीक है ना ठीक है उसके बाद जो है उसके बाद जो है लखनऊ अवध लखनऊ अवध एनेक्श बाय लॉर्ड डेलहाउज़ी, ठीक है कौन है लॉर्ड डेलहाउजी ठीक है आवाज़ ठीक है अभी देखो अवध अवध को जो है एनेक्स किया था लॉर्ड डलहावजी ने ठीक है उसके बाद नवाब अब अवध वाइल टू कलकत्ता उसको जो है कलकत्ता भेज दिए गए थे कलकत्ता भेज दिए गए थे उसके बाद जो है उनका वाइफ जिसका नाम है हज़रत महल ठीक है उसके साथ साथ उनका एलेवन ईयर का बेटा ठीक है जो है वहाँ पर रहने लगे थे काफ़ी पुअर कंडीशंस में तो एक तरफ से ये भी एक तरफ से एक कारण बना था रिवोल्ट का हालांकि एंड रिवोल्ट ब्रोक एट फोर्थ जून 1857 में इन मार्च 1858 में सिटी फाइनली उसको रिकैप्चर किया गया था ठीक है रिकैप्चर किया गया था ये है नवाब अवध ठीक है ब्रिजिस कदर ठीक है और ये है बेगम हजरत महल ठीक है और ये है हमारे नाना साहिब पेशवा एन गवर्नर ऑफ द बहादुर शाह ठीक है नाना साहेब जी ठीक है ये है तानत्या टोपी जी जो कानपुर से ठीक है और ये है खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी ये है हमारे झांसी वाली रानी ठीक है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ठीक है उसके बाद देखो जो मैं उसके बाद ये बाद में बताऊंगा एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ यहां हाँ देखो कॉजेज ऑफ द फेलर ऑफ द रिपोर्ट ठीक है अब देखो कॉजेज ऑफ द फेलर ऑफ द रिपोर्ट ठीक है रिवोल्ट फेल होने का कारण क्या था मुझे एक चीज़ बताओ मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ऑल क्लियर एक बार लिख दो ताकि मैं समझ जाऊँ कभी कभी यहाँ से आवाज़ क्लियर नहीं आती है कभी कभी आती है तो बताओ और क्लियर है आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई ठीक है क्लियर वेरी गुड थैंक यू सो मच हाँ तो यहां पर बात कर रहा हूं कॉज ऑफ़ द फेलर फेलोर का कारण क्या था देखो ये रिवोल्ट नो डाउन फेल हो गया था और एक कारण नहीं था फेलोर का कई सारे रीजन थे फेलोर का तो व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ द फेलोर ऑफ द रिपोर्ट असल कारण क्या था रिवोल्ट फेल होने का देखो सबसे पहला चीज़ है कि ये एक तरफ से इमोशनल रिवोल्ट था क्या था एक तरफ से इमोशनल रिवोल्ट था मतलब ना कोई स्ट्रेटेजी था ना कोई प्लानिंग था ना कोई ऑर्गेनाइजेशन स्किल था इतना ज़्यादा अच्छा ठीक है तो एक तरफ से एक दिस हॉट द रिलीजियस सेंटीमेंट ऑफ़ द हिंदू एज वेल एज मुस्लिम और उसके बाद जो है हमने स्टार्ट कर दिया था रिवोल्ट जो है ब्रिटिशर के खिलाफ तो ऐसा कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं था और सच बताऊँ तो सोशली पॉलिटिकली कल्चरली इकनॉमिकली जो है ब्रिटिशर ज़्यादा एडवांस में थे वो पूरे 400 साल तक पूरे दे वर्ल्ड को कैप्चर कर चुके थे तो फाइनेंशियली ले लो इकोनॉमिक पावर के हिसाब से मिलिट्री के हिसाब से देन अगेन तो टेक्निक के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन स्किल के हिसाब से तो सोशली पॉलिटिकली कल्चरली इकोनॉमिकली ज़्यादा ब्रिटिशर एडवांस थे तो उनको हराना उस टाइम पे हम लोगों के लिए मुश्किल था ठीक है और ना ही कोई प्लानिंग था ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन स्किल था उस टाइम पे और लैक ऑफ कॉमन कॉज ऐसा कोई कॉमन कॉज भी नहीं था ठीक है हाँ हाँ बेटा बिपिन क्या नाम है बिपिन गुप्ता हाँ ये स्पेक्ट्रम uh, स्पेक्ट्रम से ही पढ़ रहा पढ़ा रहा हूँ स्पेक्ट्रम उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़ लेना हो सके तो नहीं तो यहाँ पर भी ठीक से ध्यान दोगे यहाँ पर भी नोट बनाओगे तो सफिशियंट है ठीक है विपिन गुप्ता जी हाँ ठीक है वो पूछ रहा है ना का, काफ़ी टाइम से पूछ रहा है कि स्पेक्ट्रम से पढ़ा रहे हो क्या हाँ हाँ स्पेक्ट्रम से ही पढ़ा रहे हैं देन उसके बाद जो है ठीक है कुछ एक दो पॉइंट ऐड कर रहे हैं ऐसा नहीं कि खाली केवल स्पेक्ट्रम से ही पढ़ा रहे हैं एक दो पॉइंट जो है ऐड करता हूँ ठीक है अलग अलग किताब से बट बेस स्पेक्टम ठीक है हाँ देन लैक ऑफ कॉमन कॉज ठीक है तो उन लोगों में कोई कॉमन कॉज नहीं था समझ रहे रही उन लोगों में कोई कॉमन कॉज नहीं था लैक ऑफ कॉमन कॉज वॉज देन लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी खासकर जो रजवाड़े थे जो प्रिंसली स्टेट थे जो एजुकेटेड इंडियंस थे जो जमींदार क्लास थे ठीक है जो मिडिल क्लास थे जो एजुकेटेड क्लास थे ये लोग रिपोर्ट में सपोर्ट नहीं किए थे उन लोग सपोर्ट किए होते तो उस टाइम पे ही बात कुछ और हो सकती थी ठीक है और लैक ऑफ रिसोर्सेस ओबियसली बात है लैक ऑफ रिसोर्सेस क्योंकि मैं अभी बताया था कि हम लोगों के पास अगर लाठी था तो उनके पास बंदूक था तो बंदूक का सामना हम लोग लाठी में नहीं कर सकते थे ओब्वियसली बात है एंड लैक ऑफ नेशनल वाइड डायमेंसन तो नेशनल लेवल पे जो विजन था जो डायमेंशन था वो हमारा नहीं था और सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या रहा कि रिवोल्ट होने से पहले हमें उसको स्टार्ट करना पड़ा था मतलब बिगिनिंग ऑफ़ द रिवोल्ट बिगनिंग ऑफ द मूवमेंट बिफोर द फिक्स डेट अब डेट फिक्स किया गया था थर्टी फर्स्ट मे एटीन फिफ्टी सेवन को और ये शुरुआत होता है टेंथ मे को मतलब इक्कीस दिन से पहले अब मान के चलो कि आपकी यू का जो एग्ज़ाम है आपका एग्ज़ाम जो है अचानक से बीस दिन पहले हो जाए तो आपकी तैयारी कैसे होगी नहीं हो पाएगी डिफिकल्ट होगी ठीक है सो so, जो डेट उन्होंने प्लान किया था उससे जो है पहले उनको 21 दिन पहले हो गया था जिसकी वजह से उनकी तैयारी नहीं हो पाई थी ठीक है उसके साथ साथ की दिस इज कन्फाइंड अगर प्लेस की बात करें तो दिस इज कन्फाइंड टू सेंट्रल इंडिया सम पार्ट ऑफ द नॉर्थन इंडिया ठीक है सेंट्रल इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ द नॉर्थन इंडिया बाकी जो वेस्ट इंडिया है ईस्ट इंडिया है साउथ इंडिया है दे किप हम दैन सब एलूफ फ्रॉम दिस मूवमेंट मतलब इस मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे एक तरफ से ठीक है तो ईस्टर्न इंडिया साउथर्न इंडिया वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ये सब जो है मतलब पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे इस मूवमेंट में ठीक है और उसके बाद जो है मेनी सेक्शन ऑफ द सेक्शन ऑफ द पीपल डिड नॉट पार्टिसिपेट लाइक मैंने बताया था अभी ज़मींदार बिग जमींदार्स देन मनी लैंडर्स ठीक है जो ज़मींदार क्लास है देन इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो रूलर है रजवाड़ा है इंडियन रूलर्स दैन उसके बाद जो एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल इंडियंस जो थे और ये लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं किए अगर ज़मींदार पार्टिसिपेट करते मनी लैंडर्स पार्टिसिपेट करते राजा महाराज पार्टिसिपेट करते मिडिल क्लास एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल क्लास पार्टिसिपेट करते तो बात कुछ और हो सकती थी बट ये जो बिग ज़ ज़ जमींदार है मनी लैंडर्स है इंडियन रूलर्स है एजुकेटेड इंडियंस हैं इंटेलेक्चुअल इंडियंस हैं ये तो पार्टिसिपेट नहीं किए करते सच बात में दिस इज स्टार्टेड विद द सिपाही एंड एंडेड विद द सिपाही ठीक है नो सेंट्रल लीडरशिप ऐसा कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं था और जिसको सेंट्रल लीडरशिप का चार्ज दिया गया था जैसे कि बहादुर शाह जाफर को वो खुद ही बहुत ओल्ड एज हो चुके थे सोल्जर वर्डलीप्ड सोल्जर के पास खाने के लिए रहने के लिए या फिर जो वेपन था वो इतना एडवांस लेवल का नहीं था और एक्सेप्शनल लीडरशिप क्वालिटी ऑफ द ब्रिटिशर जो चार साल को पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर रहे हैं तो उनका लीडरशिप क्वालिटी तो अलग लेवल पर होगा उसके साथ साथ देखो हाईली लोकलाइज एंड रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ इंडिया हाईली एंड हाईलीस्ट्रिक्टेड टू द नॉर्थ इंडिया ठीक है आप देख सकते हो जितने भी सेंटर हैं सेंट्रल इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया अगर मैं वेस्ट इंडिया की बात करूं ईस्ट इंडिया की बात करूं साउथ इंडिया की बात करूं तो यहां पर वो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ था और एक चीज है सबसे कह सकते हो खराब चीज रिबोल के बारे में कि जितने भी कुछ राजा महाराज थे वो सपोर्ट नहीं किए थे वो बात अलग है उल्टा वो ब्रिटिशर को सपोर्ट किए थे मतलब इंडियन को सपोर्ट नहीं किए थे तो वो चलो चलता है बट वो उल्टा जाके ब्रिटिशर को सपोर्ट किए थे मतलब एक तरफ से देश के लिए गद्दार कह सकते हो ठीक है ट्रेटर कह सकते हो ट्रेटर के हिसाब से काम किए थे लाइक उसमें से जो नेम इंक्लूड है देखो लिखा गया देखो सिंधिया ग्वालियर ठीक है उसके बाद उसके उसके बाद जो है होलकर ऑफ द इंदौर द निज़ाम ऑफ हैदराबाद देन राजा ऑफ जोधपुर राजा ऑफ जोधपुर नवाब ऑफ भोपाल नवाब ऑफ भोपाल देन रूलर्स ऑफ पटियाला रूलर्स ऑफ पटियाला सिंध एंड कश्मीर एंड द राना ऑफ नेपाल तो ये सब जो है ब्रिटिशर को पूरी तरह से सपोर्ट किया था मतलब दे वर्क एज अ ट्रेटर द वर्क एज अ ट्रेटर फॉर इंडिया यू कैन से द सपोर्टेड ब्रिटिशर अगेंस्ट द इंडियंस ठीक है तो कौन कौन है सिंधिया ऑफ ग्वालियर होल्डकर ऑफ इंदौर निज़ाम ऑफ हैदराबाद राजा ऑफ़ जोधपुर द नवाब ऑफ भोपाल द रूलर्स ऑफ पटियाला सिंध एंड कश्मीर एंड द राना ऑफ नेपाल प्रोविंस एक्टिवली सपोर्ट द ब्रिटिशर्स ठीक है ये सब रीजन रहा था बिकॉज ऑफ द फेलर यह सब रीजन रहा था फेलर अब देखो बात करते हैं कि वाट वॉज द रिजल्ट ठीक है रिजल्ट क्या हुआ रिजल्ट में क्या हुआ ठीक है तो ये तो नो डाउट नो डाउट दिस रिवोल्ट वॉज फेलर बट उसका नतीजा कुछ अच्छा था देखो रिजल्ट में देखो सबसे पहले ये जो पॉइंट है ना ये शॉर्टकट में पॉइंट है जैसे कि एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन विक्टोरिया प्रोकलनेशन एंड ऑफ मुगल एंड पेशवा रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट पॉलिसीज़ एंड डिवाइड एंड रूल ठीक है ंग गल्फ तो ये सब पॉइंट को एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ठीक है तो सबसे पहले एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल ठीक है सबसे पहला पॉइंट देखो एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल ठीक है तो उससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि उससे पहले जो है पोजिशन का नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जैसे ही रिवोल्ट हुआ था उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पोजीशन था वो चेंज होके बन गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया उसका मीनिंग क्या था कि पहले जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब टोटल पावर जो है उन्हीं के अंडर था था वो कंपनी 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 को 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 ईस्ट ईस्ट इंडिया इंडिया ही दिया गया बट अब क्या है ब्रिटिश पूरा पावर नहीं देंगे वो जो है कंट्रोल रहेगा किसके अंडर क्राउन टूक ओवर द चार्ज फ्रॉम द कंपनी कंपनी का चार्ज जो है क्राउन क्राउन मतलब ब्रिटिश मतलब यू कैन से क्राउन मतलब क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड में रानी थी उसके पास सारे पावर रहेंगे ठीक है तो उसके बाद क्या होगा सेक्रेटरी ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज़ अपॉइंटेड रिपोर्ट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का अपॉइंटमेंट हुआ जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट करेगा मतलब एक तरफ से पहले क्या था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को पूरी तरह से पावर दिया गया था कि आप किसका क्वीन विक्टोरिया का लगाम लग गया था मतलब इंग्लैंड के अंदर ही वो लोग जो है यहाँ रूल करेंगे जो भी चीज करेंगे वो रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में ठीक है मतलब उनके पावर टोटल पावर नहीं रहेगा और जो पोजिशन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज है इस रॉय ऑफ इंडिया तो अगर पूछा जाए लास्ट गवर्नर जनरल कौन है तो लॉर्ड कैनिंग होगा फर्स्ट 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 वाइस रॉय ऑफ कौन इंडिया कौन है तो पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग ही होगा क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ये चीजें हुआ था ठीक है ना देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट में देखो क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमनेशन क्या है क्वीन विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमनेशन ठीक है <laughs> देखो फर्स्ट नवंबर 1958 में एट अलाहाबाद The transfer of governance was done. this, Lord Canning became the first viceroy of India. Abhi tha Lord Canning, also known as the last governor general of India as well as the first viceroy of India, promised not to intervene in the social and religious matter and would bring equality, pardon, soldier best for the Indian industry. Malab, ek क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन रहा कि फर्स्ट नवंबर 1958 इलाहाबाद में कि जो है ट्रांसफ़र ऑफ़ द गवर्नेंस गवर्नेंसन सारा जो है ट्रांसफर ऑफ़ द पावर दे दिए जाएंगे उसके साथ साथ लॉर्ड कैनिंग को जो है वाइस रॉय रखा गया ठीक है उसके बाद किसी भी प्रकार का सोशल मैटर में और रिलीजियस मैटर में उनका इंटरफेरेंस नहीं रहेगा हालांकि ये टेम्प्रेरी था ये कुछ दिन के लिए था कुछ महीना के लिए था उसके बाद वही सेम ठीक है उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट में क्या एंड ऑफ मुगल एंड पेशवा क्या था एंड ऑफ मुगल्स एंड पेशवा देखो मुगल्स एंड पेशवा कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट पावरफुल मतलब एक तरफ से दोनों ही पावरफुल थे अगर नॉर्थ में मुगल्स पावरफुल थे तो साउथ और डेकन की तरफ पेशवा पावरफुल थे ठीक है तो ये घटना के बाद क्या हुआ था मुगल्स मुगल्स का जो राजा थे बहादुर शाह जाफर थे उनको जो वो लोग कैप्चर कर दिए रंगून भेज दिया गया था उनका तीन बेटा को भी एक तरफ से मार दिए गए थे रेड फोर्ट को कैप्चर कर लिया गया था है ना तो ऑब्वियसली बात है नाना साहेब वन टू तो नेपाल नाना साहेब जो है जो कि पेशवा थे पेशवा के पुत्र थे ठीक है बाजीराव पेशवा के वो भी चले गए थे कहाँ पे नेपाल पे ठीक है तो टू फॉयज ऑफ द ब्रिटिश केम टू द एंड तो यहाँ पे दोनों का जो पावर था वो खत्म हो गया था एक तरफ से मतलब कम रहा पावर रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट देखो जैसे कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन डॉक्टर ऑफ लेफ्ट पॉलिसी वर एबांडन देखो पहला चीज तो बता दूं कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन क्या था कि जबरदस्ती ये कहकर ब्रिटिशर्स दूसरे राज्य के ऊपर लूट करते थे मतलब शासन करते थे कि आप जो है सही से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हो आपका एडमिनिस्ट्रेशन हम चलाएंगे ये किसने ये को ये ये बोल के जो है वो रूल करते थे देन उसके बाद जो है डॉक्टर राज्य हड़प नीति जैसे कि राजा हड़प नीति के थ्रू संबलपुर सतारा झांसी नागपुर ठीक है झांसी ये सब स्टेट आ गया था तो किसी भी राजा का अपना बेटा नहीं है तो दैट किंगडम विल ऑटोमेटिकली गोज अंडर द ब्रिटिश रूल ये था तो उसको भी हटा दिया गया ठीक है उसको भी हटा दिया गया उसके बाद देखो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल अब देखो डिवाइड एंड रूल का मतलब फुट डालो एवं शासन करो अगर ऐसा नहीं था कि इंडिया के ऊपर केवल ब्रिटिशर आए थे अगर मैं बात करूं पुर्तगीज़ भी आए थे फ्रेंच भी आए थे डच भी आए थे बट ये सब जो है इतना टाइम तक शासन नहीं कर पाए थे बट ब्रिटिशर जो है करीब करीब ढाई साल तक शासन किए थे उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है पता है सबसे बड़ा रीज़न है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ठीक है सो so आफ्टर 1858 फिफ्टी ब्रिटिशर स्टार्टेड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मतलब कास्ट को कास्ट के खिलाफ प्रिंसेस को जो है प्रजा के खिलाफ और हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ सो दे वांटेड वांटेड टू डिवाइड कास्ट अगेंस्ट द कास्ट प्रिंस अगेंस्ट द पीपल एंड हिंदू अगेंस्ट द मुस्लिम तो उन्होंने पूरी तरह से ये गेम खेलना स्टार्ट कर दिया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ठीक है उसके बाद देखो वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स ब्रिटिश सो सीड ऑफ हेट्रेड अमंग द हिंदू एंड मुस्लिम हिंदू एंड मुस्लिम में अलग अलग होने लगे थे उसके बाद देखो रेशियल एंटेगोनिज्म ठीक है रेशियल एंटेगोनिज्म ठीक है ब्रिटिश आर बिलीव दैट दे वर सुपीरियर एंड मेंटेन्ड डिस्टेंस फ्रॉम इंडियन चाहे रेलवे में हो पार्क में हो होटल्स में हो वो यूरोपियन के लिए रिजर्व रखते थे तो एक तरफ से जो है काला घोड़ा का यहाँ पर भेदभाव ज्यादा हो गया था इंक्रीज रेशियल बिटरनेस ठीक है तो एक तरफ से ये भी बिलीव हो गया कि इंडियन को वो ट्रस्ट नहीं करने लगे थे ठीक है और अपने आप को मतलब सुपीरियर मानते थे तो जिसकी वजह से और भी डिविजन होने लगा था रिलीजियस चेंजेस ब्रिटिश रूल डिक्लेयर दैट दे वुड नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस अफेयर कस्टम एंड ट्रेडिशन तो ये असल मुद्दा ये 1857 का रिवोल्ट किस लिए हुआ रिलीजियस कारण की वजह से इंट्रोडक्शन ऑफ द कारतूस दैट वाज मेड ऑफ बीफ एंड पॉर्क इन द एनफील्ड राइफल तो ये रीजन था बीफ एंड कारतूस का जो कारतूस यूज किए थे उसकी वजह से रिलीजियस धार्मिक कारण दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम तो उसके बाद उन्होंने प्रोमिस किया कि किसी भी प्रकार का उनके धार्मिक कार्य में रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे उसके बाद फॉरेन पॉलिसी इंडियन फॉरेन पॉलिसी वॉज डिसाइडेड बाय द ब्रिटिशर्स इन टू एम फर्स्ट है प्रोटेक्शन इंडियन एम्पायर एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंटरेस्ट ठीक है जो फॉरेन पॉलिसी रहा था ब्रिटिशर का दो मकसद में पहला मकसद क्या है कि इंडियन एम्पायर को प्रोटेक्शन करेंगे और दूसरा क्या है कि ब्रिटिशर्स का जो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंटरेस्ट रहेगा उसको भी वो इंक्रीज करेंगे और देखो एक चीज हुआ था चेंजेस इन द आर्मी चेंजेस इन्दियन इन द आर्मी चेंजेस इन आर्मी में टू अवॉइड द अनादर अपराइजिंग इंडियंस इंडियन आर्मी वॉज री ऑर्गेनाइज आफ्टर एटीन फिफ्टी एट इन द फॉलोइंग मैनर ठीक है अब देखो क्या है कि उससे पहले क्या थे ठीक है कि इंडियन आर्मी ज्यादा थे अब जो है उनको कम कर दिया गया अब जो है मतलब 14,000 ही रखा गया उसके बदले में यूरोपियन आर्मी यूरोपियन ट्रूप्स को बढ़ा दिया गया 65,000 तक बढ़ा दिया गया ठीक है और सेकेंड पॉइंट क्या है यूरोप यूरोपियन ट्रुप्स वेर आर इन द की लोकेशन जहाँ पर जो है मतलब जैसे कि वेपन वगैरह होते थे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मतलब सेंटर हुआ करते थे वहाँ पर यूरोपियन ट्रुप्स को रखा जाता था दैन पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियन फ्रॉम द ऑफिशल पोजिशन वॉज स्ट्रिक्टली फॉलोड पहले भी होता था कि इंडियन लो पोस्ट एंड लो सैलरी गिवेन टू इंडियंस एंड हाई पोस्ट एंड हाई सैलरी गिवेन टू ब्रिटिशर पहले से भी था बट उसको जो है वो लोग मैंटेन करने लगे ऐसा नहीं है कि अच्छा पोजिशन वो ब्रिटिशर्स को या इंडियंस को देंगे ठीक है और वेपन वर नेवर प्लेस्ड अंडर द चार्जेज चार्जेज चार्जेस ऑफ इंडियन एक बार तो गलती कर चुके थे अब जो है वेपन का जो एरिया था उसको जो है इंडियन के किसी भी हाल में इंडियन चार्जेस को नहीं देते थे एंड यहाँ पर भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिए थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी गेम करना स्टार्ट कर दिए थे एंड सोल्जर वेर नॉट अलाउड टू रीड न्यूज़ पेपर एंड जर्नल्स तो सोल्जर को यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए और जर्नल्स पढ़ने के लिए उन्होंने मना कर दिया मतलब नहीं देते थे उसके बाद देखो अगर मैं बात करूं कि जैसे कि इकोनॉमिक एक्सप्लेटेशन की बात करें इंडियन बिकम ए कॉलोनी टू एक्सपोर्ट रॉ मेटेरियल एंड इम्पोर्ट दिन गुड्स ठीक है सैलरी ऑफ द सोल्जर मिलिट्री ऑफिसर्स काउंसिल मेंबर्स वाज टेकन इन द इंडियन रिसोर्सेज तो जितना भी जो खर्च होता था सैलरी होता था सोल्जर के मिलिट्री ऑफिसर के काउंसिल मेंबर के इंडियन रिसोर्सेज से ही लेते थे जिसकी वजह से प्रीजेंट व बैंक्रॉप वॉर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल क्योंकि बहुत सारे इंडिगो पीजेंट बहुत सारे उनको टैक्सेस भी देना पड़ता था इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीकैप्ट कोलैप्ट हो गया था और इंडिया हैड टू पे द हेवी टैक्सेस रेवेन्यू एंड एंड डिवाइडेड टू द ब्रिटिशर्स ठीक है राइज ऑफ नेशनलिज्म देखो नो डाउट द सेक्रीफाइज मेड बाय रानी लक्ष्मी बाई नाना साहेब मंगल पांडे जी नो डाउट इट्स इंस्पायर इंडियन नो डाउट इट्स ए फेलर मतलब ये रिवोल्ट जो है फेल हो गया था बट 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 दिस डेवलप एनअ करेज इंडियंस टू फॉट अगेंस्ट द माई टी ब्रिटिश एम्पायर दट्स वाई दिस इज ट्रूली से दैट कि दिस वॉर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये दिस वॉज स्टार्टेड विद द सिपाहीद द सिपाही ट्रूली क्योंकि जितने भी सेक्रीफाइस हुआ था नो डाउट कि मिडिल क्लास इंडियंस इंटेलेक्चुअल इंडियंस रूलर क्लास देन जमींदार क्लास ये सब पार्टिसिपेट नहीं किए थे बट 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 पीजेंट फार्मर एन सिपाही ने भरपूर योगदान दिया था और ट्रूली दिस इज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया उसके बाद देखो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी एक चीज़ हुआ था री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी ठीक है ना सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड ठीक है देखो बी डी सबरकर ओपाइन दैट की द रिवोल्ट वॉज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट सवरकर के हिसाब से दिस रिवोल्ट वाज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट ठीक है अब देखो अलग अलग राइटर ने अलग अलग व्यूज दिया है जैसे कि वी डी के हिसाब से प्लान वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस एस सेन के हिसाब से इट बिगन एज द फाइट फॉर द रिलीजन बट एंडेड एज ए वॉर फॉर द इंडिपेंडेंस आरसी मजुमदार के हिसाब से फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इज नाइदर फर्स्ट नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस नॉर नेशनल ठीक है देन जॉन सिली के हिसाब से सेल्फीज एंड ऑन पेट्रोटिक मिटनी ऑफ सिपाही विच हैड नो सेंट्रल लीडरशिप तो ये अलग अलग व्यूज़ अलग 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 मतलब राइटर के हैं तो मैं यहाँ पर जो है हम लोग ये बताना चाहेंगे कि नो डाउट दिस वॉज द फेल वर बट 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 दिस डेवलप एन करेज फॉर द इंडियन टू फॉट अगेंस्ट द माई टेपेरेश एम्पायर ठीक है तो ये था <coughs> ठीक है अब क्लास करते करते टू आवर्स हो गया है थोड़ा सा ब्रेक लेंगे अभी पाँच मिनट का फिर से हम नया टॉपिक शुरुआत करेंगे यहाँ पर जो है रिवोल्ट खत्म हो गया है ठीक है और मैं समझ रहा हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री का तीन माराथन लेके आऊँगा थ्री माराथन बैक टू बैक ठीक है कल भी एक माराथन है तो जिसमें हम लोग एंटायर टॉपिक को कवर करेंगे ठीक है ना थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग पाँच मिनट का ब्रेक रहेगा ये ठीक है पांच मिनट का ब्रेक है ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं बने रहिए और जुड़े रहिए ठीक yes, है चलो आप लोग आगे ठीक है एक और टॉपिक कवर करते हैं तो टॉपिक इज द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन ठीक है टॉपिक है द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन ठीक है ना चलिए सो so, यहाँ पर देखो तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन में ठीक है कंपनी में पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि फोर्टीन एट में आया था उसके बाद जो है कोची सॉरी पोर्तुगीज के बाद जो है दैट इज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है 1600 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, जीरो टू डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, सिक्सटीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया सिक्सन सिक्सटी फोर ठीक है तो सबसे पहले देखो पोर्तुगीज पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्टी एट में और कोची फिफ्टीन थर्टी से लेकर फिफ्टीन टेन से लेकर थर्टी तक कोची वॉस हेड क्वार्टर उसके बाद जो है गोवा फिफ्टीन थर्टी से लेकर फिफ्ट नाइनटीन सिक्सटी वन तक ठीक है उसके बाद आए थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है सिक्सटीन हंड्रेड देन वेस्ट कोस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है वेस्ट कोस्ट दैट इज़ सूरत ठीक है 1608 से लेकर 87 सेवन देन बॉम्बे सिक्सटीन से उसके बाद उसके बाद ईस्ट कोस्ट में कोरोमंडल कोरोमंडल मसूली पाटनम ठीक है 1611 इलेवन टू फोर्टी वन देन मद्रास फ्रॉम 1641 फोर्टी वन बेंगाल अंडर द मद्रास अप टू सेवनटीन हंड्रेड एंड कलकत्ता फ्रॉम सेवनटीन देन उसके बाद जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है सेक्शन जीरो टू डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 जीरो टू डच ठीक है और ईस्ट कोस्ट कोरोमंडल पुलीकट

द ब्रिटिश इन 1845 ठीक है ना उसके बाद देखो देखो पोर्तुगल पोर्तुगल ठीक है पोर्तुगल में द केप रूट वॉज डिस्कवर फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय द वास्कोडा कामा ठीक है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था वो जो है उनका नाम है वास्कोडा गा ठीक है वास्कोडा गा है एंड ही रीच द रीच द पोर्ट ऑफ द कैलिकट ऑन सेवनटीन में 1498, नाइन्टी में 1498 में आए थे और उनको रिसीव किए थे एक हिंदू रूलर ने ठीक है जिनका नाम है जोमोरिन जिनका नाम है जोमोरिन हिंदू रूलर ने उसको रिसीव किया था जिनका नाम है जोमोरिन एंड वहाँ से जो है शुरुआत होती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेडिंग स्टेशन एट कलिकट कोची एंड कैनोर यहाँ से जो है शुरुआत होती है कैलीकट कोची एंड कैनोर एंड कोची वा द अर् कैपिटल ऑफ द पर्तुगीज इन इंडिया गोवा रिप्लेस इंड पहले क्या था कैपिटल कोची जो है कैपिटल था बाद में जो है गोवा जो है उसका कैपिटल बन गया था फ्रांसिसको डी फ्रांसिस को डी अलमेडा कौन है वो द फर्स्ट गवर्नर पोर्तुगीज ठीक है और उसने शुरुआत किया था पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर का मतलब क्या है कि मतलब जो इंडियन ओशन है दे कंसिडर दैन द मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन अपने आप को जो है इंडियन ओशन का मास्टर मानते थे अपने आप को दे कंसिडर दैन सेल्फ एज द दे मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन और उनका मानना था कि जो भी इंडियन ओशन से होकर जाएगा उनका बिना परमिशन से नहीं जा सकता उनको परमिशन लेना पड़ेगा दैट इज नोन एज यहाँ पर जो पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया मतलब दे कंसिडर देन सेल्फ द मतलब यू कैन से मास्टर ऑफ द इंडियन ऑप्शन ठीक है उसके बाद जो सेकंड गवर्नर जनरल था जिसका नाम है अल्फेसनो डी अल्बिक्यू देखो पुर्तुगीज का नाम थोड़ा सा अजीब अजीब ही होता है सेकंड जो है अल्फेसनो डी डीवी अल्बिक्यू द सेकेंड गवर्नर ऑफ पोर्तुगीज एंड एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था द पॉलिशी ऑफ इंपेरिज्म पॉलिशी ऑफ इंपेलिज्म मतलब साम्राज्यवाद का विस्तार करना दैट इज नोन एज पॉलिशी ऑफ ठीक है और ही कैप्चर गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर इन दस फिफ्टीन फिफ्टीन हंड्रेड टेन में उन्होंने गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर से ठीक है रूलर ऑफ़ बीजापुर से उसके बाद जो अगला गवर्नर जनरल है जिसका नाम है नीनो डाचूना नीनो डाचूना ठीक है एंड ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम कोची टू गोवा उन्होंने कोची से गोवा तक ट्रांसफर किया था एंड एक्वायर एक्वायर डी जो दामन दीव है ना उसका डी एंड बसेन इन फिफ्टीन थर्टी फोर एंड एंड फ्रॉम बहादुर साहब ऑफ़ द गुजरात ठीक है तो दीवू एंड बसेन को उन्होंने कैप्चर किया था बहादुर साहब गुजरात से उसके बाद जो है मार्थिन अल्फ्रेशनोल डिसूजा द फेमस जूरिज सेंट सेंट फ्रांसिस्को जेवियर अराइव्ड इन इंडिया विथ हिम ठीक है उसके बाद देखो द पोर्तज पावर विटनेस द डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ दिक्सटीन सेंचुरी सिक्सटीन सेंचुरी में उनका जो है एक तरफ से डिक्लाइन हो गया था उनका पावर उसके बाद देखो द लास्ट हुगली इन सिक्सटीन थर्टी वन ठीक है हुगली जो है थर्टी वन में वो लोग हार गए थे हुगली ठीक है और उस टाइम पे जो है कासिम खान था जो शाहजहां ने उसको भेजा था किसने भेजा था शाहजहां ने उसको भेजा था और सिक्सटीन सिक्सटी वन में द किंग ऑफ पुर्तगाल ये बॉम्बे ये इंटरेस्टिंग चीज़ है देखो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सिक्सटीन में जो पोर्तुगल का जो राजा था पोर्तुगल का राजा था उसका सिस्टर का नाम है कैथरीन कैथरीन उनका उनका शादी हुआ था बॉम्बे का बॉम्बे का सॉरी इंग्लैंड का राजा उसका नाम है चार्ल्स चार्ल्स सेकेंड ठीक है तो जब शादी हुआ था तो बॉम्बे को जो है दहेज के हिसाब से दिया गया था ठीक है मतलब कैथरीन का कैथरीन कै, 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 जो है पोर्तुगल का जो राजा का सिस्टर थी तो उसका शादी हुई थी जो है किससे मतलब इंग्लैंड का राजा चार्ल्स वन से तो दहेज के रूप में बॉम्बे को दिया था उन्होंने ठीक है देन उसके बाद मराठा कैप्चर सनसेट्स एंड बेसेन इन सेवनटीन थर्टी नाइन एंड इन द एंड देर लेफ्ट ओनली विथ गोवा डी एंड दामन एंड उसको रिटेन किया था टिल नाइनटीन सिक्सटी वन तक नाइनटीन सिक्सटी वन तक देन उसके बाद आए थे डच 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 ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1602 में मार्च 1602 में ठीक है बाय चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी विद द पावर टू मेक वार्स ट्रीटीज एक्वायर टेरिटरी एंड बोल्ड फोर्टेस तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1602 में हुआ था और डच जो है कई सारे फैक्ट्रीज उन्होंने बनाया था जैसे कि मसूली पाटनम सेक्शन जीरो फाइव में पुलिकट सिक्सटीन टेन में सूरत सिक्सटीन सिक्सटीन में बिमिली पाटनम सिक्सटीन फोर्टी वन में कराईकाल सिक्सटीन फोर्टी फाइव में चिंसूरा सिक्सटीन फिफ्टी थ्री में कासिम बाज़ार देन बारा पटना बालोसर नगापाटनम ये सब सिक्सटीन फिफ्टी एट में और कोची 1663 में तो ये चीजें आपको ध्यान रखना जरूरी है द डच सेट ऑफ द फैक्ट्रीज एट मसूली पार्टनम इन 1605, जीरो फाइव पुलिकट इन सिक्सटीन टेन सूरत सिक्सटीन सिक्सटीन बिमिली पार्टनम सिक्सटीन फोर्टी वन सिक्सटीन फोर्टी फाइव चिंसुरा सिक्सन फिफ्टी थ्री कासिम बाजार बारानगोर पटना बालासोर नगापाटनम इन सेक्शन फिफ्टी एट एंड कोची इन सेक्शन सिक्सटी थ्री ठीक है उसके बाद देखो डच रिप्लेस द पोर्तुगीज एज द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन यूरोप ट्रेड विद द ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंक्लूडिंग इंडिया ठीक है ना तो डच ने जो है पोर्तुगीज को रिप्लेस किया था ठीक है पुलिकट वाज द मेन सेंटर इन इंडिया टिल 1690 आफ्टर विच नागा पार्टनर रिप्लेस इट तो पुलिकट उससे पहले जो है मेन सेंटर हुआ करता था ठीक है ठीक है उसके बाद जो है डच कनफ्लुएरेट टू इंग्लिश आफ्टर देयर डिफीट इन द बैटल ऑफ बेडेरा 1759 में क्या हुआ था बैटल ऑफ बेडेरा हुआ था जिसमें जो है डच को इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया था उसके बाद आते हैं इंग्लिश ब्रिटिश ठीक है ब्रिटिशर्स आते हैं उसके बाद ठीक है सो so, देखो एक चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हुआ था 1600 में बट भारत आए थे 1609 में तो 1600 के टाइम पे उस टाइम पे रूल कौन कर रहा था इंडिया पे अकबर रूल कर रहा था 1605 तक अकबर ने रूल किया था अगर पूछा जाए कौन से रूलर के टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था अगर पूछा जाए तो वो होगा अकबर बट अकबर के टाइम पे आए नहीं थे अगर क्वेश्चन ये पूटा होता कि कौन सा रूलर ने परमिशन दिया था या आए थे वो लोग वो है जहांगीर सिक्सटीन में जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस नाम का पर्सन जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के के, के तरफ से जहांगीर के दरबार में आए थे हालांकि जहांगीर इनिशियल स्टेज में मना कर रहे थे ब्रिटिशर्स को इनिशियल स्टेज में देखो इंडिया फेमस था ज्वेलरी के लिए स्टोन्स प्रेशियस स्टोन्स के लिए मसाला के लिए टी के लिए ठीक है था क्या अब भी है तो ये सब चीज़ों के लिए तो बिजनेस करने के पर्पस में वो आए तो तो इनिशियल स्टेज में जहांगीर ने पूरी तरह से मना कर दिया कि दे, दे, दे नो वी डोंट वांट बट बाद में उनको बहुत अच्छे अच्छे तोहफे दिए थे उनको इम्प्रेस किए उनसे मनाया था बाद में उन्होंने परमिशन दे दिया था ठीक है तो सिक्सटीन जीरो में कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आए थे तो इनिशियली ही वाज रेजिस्ट टू गिव परमिशन बट लेटर ऑन ही गिव परमिशंस और ब्रिटिशर्स ने अपना पहला फैक्ट्री जो बनाया था कहाँ पे सूरत में 1613 में सूरत में ठीक है एंड बिफोर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टाब्लिश टेड इन इंडिया जॉन मिडन हॉल जॉन मिडन हॉल ए मर्चेंट एडवेंचर द फर्स्ट इंग्लिश मैन who arrived in India in 1599 by the overland route. ठीक है उसके बाद जो है द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मार्चेंट ऑफ लंडन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडियाज पॉपुलरली उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600. ठीक है ना तो उसके बाद जो है थॉमस रॉय आया था तो उसके बाद कौन आया था देखो थर्ड वाला पॉइंट देखो नीचे जो लिखा है विलियम हॉकिंस अराइव्ड जहांगीर कोर्ट इन 1609 में आए थे ठीक है जीरो नाइन में आए थे ठीक है तो सीख परमिशंस तो इनिशियली सूरत में परमिशन दे दिया गया फैक्ट्री बनाने के लिए सेक्शन थर्टीन में उसके बाद थोमास रॉय आए थे ठीक है थोमास रॉय आफ्टर विलियम हॉकिंस थोमास रॉय आए थे ठीक है और एम्बेसिडर ऑफ जेम्स वन जेम्स वंस के तरफ से आए थे तो वो भी फैक्ट्री बनाने के मकसद में ठीक है उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर बॉम्बे फ्रॉम चार्ल सेकंड चार्ल सेकंड से उन्होंने बॉम्बे को ले लिया लीज के बेसिस में और गिराल्ड अगर वा द फर्स्ट गवर्नर फ्रॉम 1669 टू तो 1677 ठीक है yeah. देन उसके बाद देखो 1690 में क्या हुआ था जॉब चारनुक एस्ता, फैक्ट्री एस्टाब्लिश किया था कहाँ पे सुताना थी एंड द जमींदार ऑफ द थ्री विलेज ऑफ़ सुतानाथी कलिकता एंड गोविंदपुर ठीक है ये तीनों को दिस वाज एक्वायर बाय द ब्रिटिशर इन 1698 में ठीक है एंड बाद में दिस थ्री विलेज ग्रू इन टू द सिटी ऑफ कलकत्ता कौन कौन सा थ्री विलेज सुतानाथी कलिकता एंड गोविंदपुर ठीक है कलकत्ता बन गया एंड द फैक्ट्री एट सुतानाथी वॉज फोर्टिफाइड इन सिक्सटीन ठीक है एंड न्यू फोर्टिफाइड सेटलमेंट वॉज नेम्ड एट फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम बन गया इन दत्र 1700 में ठीक है Then, उसके बाद जो है 1694 में क्या हुआ था द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास रेजोल्यूशन गिविंग इक्वल राइट टू ऑल इंग्लिश मैन टू ट्रेड इन ईस्ट मतलब नाइनटीन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास कर दिया था कि इक्वल राइट्स तो सारे इंग्लिश मैन को वो ईस्ट में ट्रेड कर सकते हैं तो नया कंपनी आ गया था जिसका नाम है इंग्लिश कंपनी ऑफ मार्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज ठीक है ये फॉर्म हुआ था सिक्सटीन में उसके बाद क्या हुआ दोनों कंपनी जो है एक साथ हो गए थे फाइनली दोनों कंपनी एक साथ हो गए थे कौन सा ईयर में 1709 में और उन्होंने टाइटल दिया था बड़ा लंबा चौड़ा टाइटल दिया था वो टाइटल का नाम है द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज क्या था नया नाम फिर से बता रहा हूं द यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज ठीक है और ये कंपनी एग्जिस्ट किया था 1858 से 8 तक मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 उसके बाद देन फ्रेंच ठीक है देन फ्रेंच द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1664 में, है? 1664 में में ठीक ठीक है है और उसके बाद जो है फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो एस्टाब्लिश हुआ था सूरत में इन द ईयर 1668 में बाय फ्रांसिस केर ठीक है और ए फैक्ट्री एट मसूली पाटनम सेटनम में एक फैक्ट्री सेटअप हुआ था नाइन में उसके बाद जो फ्रेंच पावर रिवाइव्ड अंडर एंड डुमास जो कि गवर्नर थे बिटवीन 1720 से लेकर 1742 एंड दे ऑक्युपाइड इन द इन 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 मालावारनम एंड कोरोमंडल एंड कराईकाल एंड तमिलनाडु इन 1739 ठीक है एंड द अरावल ऑफ उसके बाद जो है द अरावल ऑफ डुप्लेक्सी और डुप्लेक्स एज ए फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया इन सेवनटीन फोर्टी टू सॉ ऑफ एंग्लो फ्रेंच कंफ्लिक्टो एंग्लो फ्रेंच कंफ्लिक को कर्नाटिक वार भी कहा जाता है ठीक है और जिसमें जो है ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया था ठीक है तो ये था ठीक है, चलिए अब जो है Chica. चलिए ठीक है या yeah, गैस अब जो है मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आप लोगों से ठीक है फ्रीडम स्ट्रगल ठीक है आल डिस्कस अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री ठीक है क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है चलो ये बोर्ड में चेंज कर देता हूँ ठीक है अब ठीक दिख रहा होगा हाँ अब अब ठीक दिखेगा देखो ठीक है फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोग बात करेंगे ठीक है उसमें पहले लिख लो कौन कौन सा इंसिडेंट हुआ था देन एक एक करके सारे इंसिडेंट पे हम लोग बात करेंगे ठीक है ना सारे इंसिडेंट पहले लिख लो एक ही करके ठीक है फ्रीडम स्ट्रगल और सिस्टमेटिकली मैं जो है स्टोरी के हिसाब से बताता जाऊँगा ठीक है चलिए तो हेडिंग है फ्रीडम स्ट्रगल ठीक है तो उसमें से देखो आप लिखते चलिए फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ आई एन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ था 1885 से इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 से so, यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे पहले मैं टॉपिक एक एक करके लिख लेता हूं। आप लोग भी लिख लीजिए उसके बाद एक दूसरे से हम लोग इंटरलिंक करते चलेंगे ठीक है उसके बाद जो है फिर नंबर दे देता हूं ताकि आप लोग याद कर सको ठीक है सेकंड में लिख लो पार्टीशन ऑफ बंगाल पार्टिशन ऑफ बेंगो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन बंगाल के विभाजन के बाद उसी के खिलाफ जो मूवमेंट हुआ था दैट वाज नॉन एज कौन सा मूवमेंट है गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट ये बंगाल के विभाजन के खिलाफ ही हुआ था उसका भी टाइम पीरियड है 1905, ठीक है ध्यान देखो ये दोनों का टाइम पीरियड है 1905, ठीक है 1905, उसके बाद देखो 1905 के बाद ठीक है फोर्थ नंबर पॉइंट पे मैं लिख रहा हूं कलकत्ता सेशन कलकत्ता सेशन कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में उसके बाद जो है मुस्लिम लीग का गठन मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में ठीक है ये दोनों का ईयर देखो सेम है 1906 1906 जीरो सिक्स कलकत्ता सेशन भी हुआ था 1906 में और मुस्लिम लीग का गठन भी हुआ था 1906 में ठीक है 1906 में क्लियर है पॉइंट तो ये लिख लो सिस्टमेटिकली ये लिख लो उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे ठीक है उसके बाद जो है देन उसके बाद जो है ठीक है 1906 के बाद सूरत स्प्लिट हुआ था सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन सूरत स्प्लिट जो गर्म दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे गर्म दल और नरम दल दोनों अलग अलग गर्म दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे यह सूरत स्प्लिट में ठीक है उसको स्प्लिट ऑफ आईएनसी भी कहा जाता है और दिस इज नोन एज स्प्लिट ऑफ स्प्लिट ऑफ आईएनसी आईएनसी बोले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्प्रिट भी कहा जाता है ठीक है उसके बाद सूरत स्प्रिट के बाद ठीक है सूरत स्प्रिट के बाद मोरले मिंटो रिफॉर्म्स मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909 में हुआ मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 में हुआ था ठीक है और मिंटो रिफॉर्म्स के बाद ठीक है होम रूल मूवमेंट होम रूल लीग 1916 और मतलब उसी के साथ साथ जो है होम रूल मूवमेंट भी हुआ था होम रूल मोमेंट भी हुआ था यह भी 1916 है देखो होम रूल लीग बाय बाल गंगाधर तिलक और रूल मोमेंट बाय एनी बसेंट होम रूल लीग किसके द्वारा था रूल लीग बाय द बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक ने किए थे और रूल मूवमेंट बाय एनी बसेंट एनी परसेंट है ना ठीक है तो दोनों को हम एक साथ रिलेट कर सकते हैं होम रूल लीग और होम रूल मूवमेंट को ठीक है उसके बाद देखो लखनऊ पैक्ट उसके बाद जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में तो ये जो इंसिडेंट है ये जो इंसिडेंट है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है मॉरले मिनटो रिफॉर्म्स होम रूल लीग और होम रूल मूवमेंट और लखनऊ पैक्ट ठीक है ये जो है इंटरलिंक्ड है मैं बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं बताऊंगा ये कैसे इंटरलिंक्ड है ये तीनों जो है मुस्लिम लीग से रिलेटेड है और मुस्लिम लीग से ही ये तीनों जो है इंटरलिंक्ड है ठीक है उस टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊंगा ठीक है ना देन ये लिख लो ये लिख लो एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे मैं इंटरलिंक भी करूंगा स्टोरी को तभी जाके आप लोग को चीजें समझ में आएगा ठीक है उसके बाद उसके बाद देखो उसके बाद जो है उसके बाद जो है रौलत एक्ट रौलत रौलत एक्ट हुआ था 1919 में कब हुआ था 19 रौलत एक्ट हुआ था 1919 में रौलत एक्ट इन दर नाइनटीन ठीक है और रौलत एक्ट की वजह से हुआ था जलिया जलिया वाला बाग हत्याकांड ठीक है जलिया वाला बाग हत्याकांड जलिया वाला बाग, बाग. मैसाकिर ये कब हुआ था अप्रैल 1919 में हुआ था हत्याकांड है ना और जलिया वाला बाग हत्याकांड की वजह से जलिया वाला बाग हत्याकांड की वजह से वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट हुआ था महात्मा गांधी जी का कौन बता सकता है उसका नाम क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ठीक है हाँ उसी दौरान और एक चीज़ भी हुआ था 1919 में मन्टेगो चैम्स रिफॉर्म भी हुआ था सही बात ठीक है जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है उसी दौरान जो है बारह नंबर कर लो कोई दिक्कत नहीं है मनटेगो चैम्स रिफॉर्म मंटेगो चैम्स रिफॉर्म उन्नीस सौ उन्नीस में ही हुआ था ठीक है और देखो ये जलिया वाला बाग हत्याकांड है उसी की वजह से हुआ था ठीक है जलिया वाला बाग हत्याकांड जो है उसी की वजह से हुआ था असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसका टाइम पीरियड है 1920 से लेकर 22 तक बीस से बाईस तक नाइनटीन ट्वेंटी से ट्वेंटी बीस से बाईस तक ठीक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ठीक है और उसी टाइम पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे ही चल रहा था उसी टाइम पे खिलाफत मूवमेंट तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट का टाइम पीरियड सेम है खिलाफत खिलाफत मूवमेंट उसका टाइम पीरियड भी है 1920 से लेकर 22 बीस से लेकर बाईस तक ठीक है ट्वेंटी टू है ये ठीक है तो ये जो मूवमेंट है नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत का दोनों का टाइम पीरियड देखो सेम है दोनों का टाइम पीरियड सेम है और ये तीनों जो है रोलत एक्ट रोलत एक्ट जलिया वाला बाग और मनटे को चैम्स फॉर रिफॉर्म ये तीनों जो है एक साथ हुआ था ठीक है यस उसी को बंद करने के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस लिए बंद हुआ था चोरी चोरा हत्याकांड की वजह से बंद हुआ था नॉन कोऑपरेशन मोमेंट जो है बंद हुआ था बिकॉज अब चोरी चोरा हत्या का नॉन कोऑपरेशन वाज़ बंद हुआ था ठीक है दिखाई दे रहा है नॉन कॉपरेशन बंद हुआ था बिकॉज ऑफ द चोरी चोरा चोरी चोरी चोरा इंसिडेंट और ये चोरी चोरा इंसिडेंट कब हुआ था फिफ्थ फेब, फिफ्थ फेब 1922 को हुआ था जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है बंद हो गया था असहयोग आंदोलन बंद हो गया था जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन बंद हो गया था ठीक है क्लियर है पॉइंट तो देखो रोलत एक्ट की वजह से बाग हत्याकांड हुआ था जलियां बाग की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हुआ था चोरी चोरा हत्याकांड की वजह से मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है जब अभी पढ़ाऊंगा ना मैं डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि चीजें कैसे हो गया था ठीक है कैसे हुआ था ठीक है ये आप लिख लो ठीक है देन उसके बाद जो है देखो फोर्टीन नंबर पे स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी यह हुआ था 1923 में तो स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था स्वराज पार्टी का 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी का गठन ठीक है 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी का गठन देन, उसके बाद जो है सुराज पार्टी के प्रेसराइज करने के बाद साइमन कमीशन आया था साइमन कमीशन साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में बट साइमन कमीशन भारत आया था केम टू इंडिया इन दर नाइनटीन में गठन हो गया था 27 में बट भारत आया था कौन सा ईयर में 28 में ठीक है उसके बाद जो है आफ्टर साइमन कमीशन ठीक है नेहरू रिपोर्ट हुआ था नेहरू जी मतलब मोतीलाल नेहरू यहां पर नेहरू रिपोर्ट दैट इज 1928 में सपोर्टेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड तेज बहादुर सप्रू नेहरू रिपोर्ट किसने पेश किया था कि मोतीलाल नेहरू एंड तेज बहादुर सप्रू तेज बहादुर सप्रू ठीक है और उसका जो डिमांड था डोमिनियन स्टेटस वाज़ द डिमांड ठीक है नेहरू रिपोर्ट के बाद फोर्टीन पॉइंट ऑफ जिन्ना 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना जिन्ना मतलब यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना ठीक है 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना ठीक है तो यहां पर उसके बाद जो है शुरू होता है लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया लाहौर अधिवेशन कौन सा ईयर में हुआ था बताओ आप लोग बताओ उसके बाद जो है हाँ उसके बाद जो है लाहौर सेशन कौन सा ईयर में बताओ फटाफट फड़? लाहौर सेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था जिसमें जवाहरलाल नेहरू हुआ था प्रेसिडेंट ठीक है यस बिल्कुल सही है यस 1929 में लाहौर सेशन हुआ था 1929 में जिसका डिमांड था कंप्लीट इंडिपेंडेंट कंप्लीट तो जिसका डिमांड था कंप्लीट इंडिपेंडेंट पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना है हमें क्या चाहिए पूर्ण स्वराज चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंट लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू जिसके प्रेसिडेंट थे है, है कि नहीं ये सब सुना हुआ लग रहा है ना मैं जब पढ़ाऊंगा एक दूसरे से रिलेट करूंगा इंटरलिंक करूंगा ठीक है ये खाली मैं लिख रहा हूं बस आपको उसके बाद इंटरलिंक करूंगा ठीक है समझ रहे हो कि नहीं Then, उसके बाद सॉल्ट सत्याग्रह आपने सुना होगा सॉल्ट नमक आंदोलन और जिसको दांडी मार्च भी कहा जाता है दांडी मार्च और जिसको सिविल डिस मूवमेंट भी कहा जाता है सिविल डिस मूवमेंट और ये कब हुआ था 1930 में ये जो है 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह दांडी मार्च और सिविल डिसोबिनियन मूवमेंट अलग अलग चीज नहीं है एक ही चीज़ है अलग अलग चीज़ नहीं है एक ही चीज़ है ये कब हुआ था 1930 में समझ में आ रहा है कि नहीं ठीक है एक ही चीज़ है अलग अलग चीज़ नहीं है देन उसके बाद जो है देखो लिखना हो गया ये सिविल डिसोबीडियन मूवमेंट उसके बाद राउंड टेबल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद जो है फर्स्ट, कितना नंबर था ये नंबरिंग मैं ऐसे ही दे रहा हूँ आप लोगों के सम अंडरस्टैंडिंग के लिए नाइनटीन ट्वेंटी फर्स्ट राउंड टेबल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है फेल हो गया था क्योंकि आईएनसी इंटरनेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था दैट वाज द रीजन ऑफ द फेल ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया था उसके बाद जो है गांधी पैक्ट हुआ था गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में उसके बाद जो है गांधी इरविन पैक्ट आत्मा गांधी को बुलाया गया था लंदन में उनको समझाया गया था उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और जो सौ सत्याग्रह मार्च सिविल डिसोबिलियन मूवमेंट चल रहा था उसको बंद करिए तो फाइनली गांधी जी पार्टिसिपेट भी कर दिए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्टी वन में हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कन्फ्रेंस ठीक है उसके बाद जो है उसके बाद जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑफकोर्स थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1932 देखो आप चीजों को याद कर सकते हो देखो चीजों को याद कर सकते हो सिंपली ठीक है देखो सिंपल सी बात है फर्स्ट थर्टी में है सेकेंड थर्टी वन में है थर्ड थर्टी टू में है राउंड टेबल कन्फ्रेंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आप रिलेट कर सकते हो ठीक है फर्स्ट थर्टी सेकेंड थर्टी वन थर्ड जो है थर्टी टू यू कैन रिलेट इन दिस वे ठीक है इजीली याद कर सकते हो इस तरीके से ठीक है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड टेबल कन्फ्रेंस ठीक है हालांकि तीनों ही राउंड टेबल कन्फ्रेंस जो है फेल हुआ था हालांकि महात्मा गांधी जो है केवल एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे वो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बी आर अंबेडकर साहब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एस टी को रिप्रेजेंट किए थे और ब्रिटिशर के तरफ से जो पार्टिसिपेट किए थे कौन बताएगा राम से मैकडोनल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है ना चलिए तो ये था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ठीक है Then. कांग्रेस मिनिस्टर रेजिग्नेशंस कांग्रेस मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन इन दर नाइनटीन 1939, 39 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अननेसेसरी जो है इंडिया को वो बोलो वेलीग्रेन कंट्री के हिसाब से घोषित कर दिए थे तो यहां पर जो है पूर्ण स्वराज सुरा, का मांग किया गया था कंप्लीट इंडिपेंडेंट का और जब वो लोग नहीं माने थे कांग्रेस ने गिव देयर रेजिग्नेशन ए रिमोट लाना ए चला दे और फैन भी चलाते वहां ठीक है। सर ये वर्ल्ड वॉर कहां सही है कहां सही है क्या पूछना चाह रहे है? चाह रहे हो पूछो फिर से पूछो दूसरे वर्ड फ्रेम करके पूछो फिर से पूछो बेटा दूसरा वर्ड फ्रेम करके पूछो अदर इंग्लिश में पूछ लो या फिर अलग मीनिंग करके पूछो तुम्हारे मीनिंग में समझ नहीं पा रहा हूँ चलो हाँ तो कांग्रेस मिनिस्टर देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर वालो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ब्रिटिशर्स डिक्लेयर इंडिया एज ए वेलीग्रन कंट्री अपने देश की तरफ से उन्होंने घोषित कर दिया था इंडिया को भी वेलीग्रन कंट्री के हिसाब से तो इंडियन ने कंडीशन रखा था कि हम लोग तभी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे जब इंडिया को पूरा आज़ादी दे दोगे कंप्लीट इंडिपेंडेंट तो कंपनी इंडिपेंडेंट नहीं दिए थे तो इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था गेव द रिजिग्नेशन सर क्या उसको वर्ल्ड वॉर कहना सही होगा हां बेटा वर्ल्ड वॉर हाँ हाँ बिल्कुल वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं कहेंगे उसको वर्ल्ड वॉर नहीं थे बेटा ये वर्ल्ड वॉर से इन्फ्लुएंस था उसको वर्ल्ड वर की बात नहीं कर रहा हूं मैं वर्ल्ड वर से ये वर्ल्ड लेवल का इंसिडेंट से इन्फ्लुएंस था ठीक है जब पढ़ाऊंगा आप सुन लेना बेटा जब पढ़ाऊंगा आप सुन लेना ठीक है वर्ल्ड वर से ये इन्फ्लुएंस था उसको वर्ल्ड वर में नहीं कह रहा हूं ठीक है आपको समझने में दिक्कत आ रही है बट ये वर्ल्ड लेवल पर जो इंसिडेंट हुआ था दैट इंपैक्ट टू द इंडिया जब पढ़ाऊंगा उस टाइम पे डिटेल में बता दूंगा ठीक है चलिए देन उसके बाद देखो कांग्रेस मिनिस्टर रेजिग्नेशन हो गया था ठीक है उसके बाद क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन आया था 1942 में उसके बाद आईएनए आईएनए का मतलब क्या है इंडियन नेशनल आर्मी इंडियन नेशनल आर्मी आर्मी का भी गठन हुआ था 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस उसके बाद कैप्टन मोहन सिंह पहले थे उसके बाद सुभाष चंद्र बोस आए थे उसके बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था तो ये तीनों जो है 1942 में ही हुआ था क्रिप्स मिशन इंडियन नेशनल आर्मी एंड क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा ईयर में 1942 में ठीक है ठीक है देन उसके बाद उसके बाद बहुत सारे प्लान आए थे जैसे कि उसमें से है सीआर प्लान है 1944 में सीआर प्लान उसके बाद जो है सीआर प्लान के बाद वेबल प्लान आया था वेबल प्लान 1945 में आया था उसके बाद जो है वेबल थे बाईस उस टाइम पे शिमला कॉन्फ्रेंस किया था उसने शिमला कॉन्फ्रेंस ये भी 1945 में उसके बाद जो है केबिनेट मिशन प्लान आया था केबिनेट मिशन प्लान केबिनेट मिशन मिशन प्लान आया था 1946 में उसके बाद जो है माउंट बेटन प्लान आया था माउंट प्लान माउंटबेटन प्लान 1947 में, देन, इंडिया इंडिपेंडेंट प्लान इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 ठीक है तो सीआर प्लान 1944 वेवेल प्लस सीआर प्लान और सी राजगोपाल चारी प्लान सीआर का मतलब है सी राजगोपाल चारी, ना? राज चारी. मतलब राज चारी. चारी. है ना चक्रवर्ती राजगोपाल चारी सी मतलब चक्रवर्ती आर फॉर राजगोपाल चारी ठीक है पी फॉर प्लान मतलब सीआर प्लान दैट इज नोन ए सीआर प्लान सी पर चक्रवर्ती और आर फॉर राजगोपाल फोर्टी फाइवलाइनटीन फोर्टी फोर्टी फाइव ठीक है ये दोनों ही वेवेल ने ही किया था कैबिनेट मिशन प्लान 46 सिक्स माउंट बेटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 तो फाइनली जो माउंट बेटन प्लान जो आया था उस प्लान के हिसाब से इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट बना था उस प्लान के हिसाब से ही इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट बना था और फाइनली भारत को आजादी मिल गई जैसे कि माउंट बेटे प्लान के हिसाब से तीन तीन चीज़ें मेन चीजें था जैसे कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल पाकिस्तान इंडिपेंडेंट ऑन फिफ्टीन अगस्त इंडिया विल इंडिपेंडेंस एंड दोज एरिया डोमिनेटेड बाई हिंदू विल बी द हिंदुस्तान एंड दोज एरिया डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम विल बी द पाकिस्तान जहां पर हिंदू ज्यादा है वो हिंदुस्तान होगा जहां पर मुस्लिम ज्यादा है वो पाकिस्तान होगा एंड 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 और एक चीज क्या था कि हिंदू ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू द मुस्लिम दसवा हिंदुस्तान विल बी गिवन लार्जर जोग्राफिकल एरिया देन पाकिस्तान हिंदुस्तान को ज्यादा एरिया मिलेगा एज कम्पेयर टू द पाकिस्तान ठीक है तो ये मैंने सिस्टमेटिकली आप लोगों को लिखवा दिया है ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सको जब भी मैं पढ़ाऊंगा देखो अभी अभी अभी, अभी जब पढ़ाऊंगा मैं उसको रिलेट करूंगा देखो यहाँ पर मैंने डेट के हिसाब से सिस्टमेटिक लिखा है ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए आप लोगों को चीज़ें जो है समझ में आ जाए देखो क्या है उसमें आप लोगों को चीजें जो है आसान तरीके से समझ में आ जाए ठीक है, है देखो फर्स्ट में मैंने किया है फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न हिस्ट्री का तो ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री का तो देखो पहला पहला चीज जो हम हम इंटरलिंक करेंगे स्टोरी के हिसाब से बहुत शानदार तरीके से अगला 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 वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे इंटरलिंक करके स्टोरी करके आपको मजा भी आएगा ठीक है तो किस प्रकार से पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था देन स्वदेशी मूवमेंट देन, देन, देन स्वदेशी मूवमेंट कलकत्ता सेशन मुस्लिम लीग का गठन उसके बाद अगेन सूरत स्प्लेट मॉर्लीमेंटरी रिफॉर्म होमरुल लीग लखनऊ पैक ये किस तरह से इंटरलिंक्ड है उसके बाद जो है ये जो इंसिडेंट है रोलर एक्ट किस प्रकार से जलियाना वाला बाग से जलियाना वाला जो है रोलर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ था चोरी चोरा इंसिडेंट से उसके साथ साथ स्वराज पार्टी का किस प्रकार से गठन हुआ था देन साइमन कमीशन प्रेसराइज किए थे देन नेहरू और फोर्टीन पॉइंट जिन्ना किस प्रकार से हुआ था और लाहौर सेशन हुआ था उसके बाद फिर सल्ट सत्याग्रह हुआ था देन फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था गांधी रिविन पैक क्या था ये सब चीज़ें समझेंगे उसके बाद जो है कांग्रेस मिनिस्टर का रिजाइन उसके बाद 42 में क्रिप्स मिशन आए न क्विट इंडिया मूवमेंट किस प्रकार से हुआ था उसके बाद सारे प्लान आए थे सी आर प्लान ओवेल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस कैबिनेट मिशन प्लान माउंट बेटे और इंडियन इंडिपेंडेंट इस तरह से मतलब भारत को आज़ादी मिला था ठीक है ये हम लोग बहुत शानदार टॉपिक है मज़ेदार टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है सबसे मेन चीज़ है एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू रेलिवेंट टॉपिक है उसको स्टोरी के हिसाब से कनेक्ट करके इंटरलिंक करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा अगले क्लास में ठीक है अगला क्लास कल ही है आठ बजे ठीक है ऐसा नहीं कि ज़्यादा दूर है कल ही आठ बजे बट एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों को अगर जैसे कि मेरे नाम पे ज्वाइन करना है तो मेरा जो रेफरल कोड रहेगा बी एम लाइफ मेरा जो रेफरल कोड रहेगा बी एम एल आई वी ए -E, और टेलीग्राम चैनल में जुड़ना है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अनएकेडेमी अंडर स्क्वेर मेहर कर देना टाइप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अनएकेडमी अंड्रॉस्कर मेरा नाम टाइप कर देना तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा वहाँ पे ज्वाइन कर लेना ठीक है अभी जो है ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है और किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए पॉलिटी जोग्राफी इकनॉमिक्स किसी भी चीज़ों में हेल्प चाहिए तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए रेडी हूँ तैयार हूँ आप लोग किसी भी टाइम जो है मेरा मतलब हेल्प से रिलेटेड कर सकते हो कंटैक्ट कर सकते हो ठीक है हेल्प से रिलेटेड तो गाइज़ आज के लिए इतना ही कल फिर से ये ये जो मैंने लिखा लिखा है ना उसको इंटरलिंक के हिसाब से बहुत शानदार तरीके से कल मैं पढ़ाऊँगा कल आठ बजे है बने रहना और जुड़े रहना ठीक है थैंक यू ऑल हैवे नाइस डे टेक केयर जय हिंद